मौजूद है। आज का इस्कॉन डिसाइपल्स कोर्स उसका दूसरा दिन, और इसके तहत जो है कल हमारा सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था, आगाज किया था कोर्स का हमने। तो आज जो हमारा मौजू रहेगा वो पहला यूनिट है, ये हमारा कल हो चुका था। आज हमारा मौजू रहेगा गुरु तत्व और गुरु परंपरा। ठीक है, देखिए धीरे धीरे इस तरीके से आगे बढ़ेगा। पहले गुरु तत्व गुरु परंपरा है, फिर कल श्रील प्रभुपाद, और फिर परसों जो है इस्कॉन के जो है जो अभी मौजूदा गुरु वर्ग है उसके बारे में ये लेसन रहेगा, सबक रहेगा। इसका उर्दू पेज नंबर 13 है प्रभु जी, गुरु तत्व और गुरु परंपरा। हाँ वो देख ले कौन सा है, मैं 13 नंबर पेज है ना, है ना, उर्दू में 13। जी जी 13। हाँ, हाँ मैंने निकाल के रखा हुआ है। ठीक, हाँ जी पेज नंबर 13 है। चले ठीक है, अभी तो किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी बेशक अपना किताब बंद रखिए, अभी हम इधर ध्यान दीजिए थोड़ी देर, जब हमें जरूरत पड़ेगी विल गेट देयर। ठीक है, गुरु तत्व गुरु परंपरा। आगे बढ़ने से पहले, हाँ ठीक है, मैं अंग्रेजी में खोल रहा हूँ, और एक देखना चाह रहा था स्क्रीन पर क्या है। यही है, ठीक है। द गुरु इज ऑफर्ड फर्स्ट द रिस्पेक्टफुल प्रेयर्स वंदे गुरुन। गुरु को जो है सबसे पहले आदरणीय मतलब आदर के साथ जो है उनको प्रार्थना की जाती है, इसीलिए कहा जाता है वंदे गुरु संस्कृत शब्द। एंड गुरुन बहुवचन प्लूरल नंबर, गुरुन गुरुन का मतलब है एक से ज्यादा, एक से ज्यादा। ठीक है, हिंदी संस्कृत में इसको बहुवचन कहते हैं, यानी कि एक से ज्यादा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक से ज्यादा। मैनी मैनी गुरु, बहुत सारे गुरु सब, मगर बहुत सारे नहीं है, एक है। वो एक क्या है, उसे कहते हैं गुरु तत्व, बंदा नहीं तत्व। तत्व का मतलब होता है सिद्धांत, उसूल। ठीक है, तत्व उसूल एलिमेंट, अंग्रेजी में हम इसको एलिमेंट भी कह सकते हैं, तत्व। ठीक है, प्रिंसिपल प्रिंसिपल एलिमेंट अंग्रेजी में कहा जाएगा, उर्दू में आप उसको जो है उसूल कह सकते हैं। इतना बस, ये चैतन्य चेतामृत के एक प्रवचन में श्री प्रभुपाद बता रहे थे। तो यहां से हम आगे चलते हैं, मतलब टॉपिक सेट हो गया। सो अभी आप अपने किताब बंद कर दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, इधर की जरूरत पड़ेगी, मैं अभी स्क्रीन हटा देता हूँ। ओके, गुरु गुरु चीज से क्या समझते हैं, गुरु का औहदा जो है मतलब क्या होता है, वो क्या करने के लिए होता है, क्या है गुरु, क्या है आपके हिसाब से क्या है गुरु? मैंने गुरु कौन है नहीं पूछा, गुरु क्या है पूछा। मैं सवाल दोहरा रहा हूँ, आपके नजरिए में गुरु क्या है, एक औहदा होता है गुरु, वो क्या होता है, क्या है आपके नजर में, कौन है नहीं, क्या है गुरु? मीन्स जो हमें ज्ञान दे, अंधेरे से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाए। Okay. वो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव होता है। ओके ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया करना लाल जी। और कोई? ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञान अंजलाय शिलाकाय चक्षुर्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु वो है जो ज्ञान से रोशन करे, जो हमें अंधेरे से निकाले, जो अंधेरे से निकाले, अध्यात्मिक ज्ञान दे। ओके ओके, हमारी आंखें खोले, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य प्रभु, बहुत शुक्रिया। और कौन? या वीवो 1814 जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु मीन्स प्रभु जी, गुरु जो है क्या होते हैं? गुरु सबसे पहले तो जब हम दीक्षा लेते हैं, दीक्षा काले भक्त करे आत्मा समर्पण, अपने आप गुरु को सौंपते हैं, क्योंकि गुरु गुरु जो है हमारे जीवन को कृष्ण से जोड़ते हैं, भगवत में कोई जो हमें कृष्ण से जोड़े और हमें आशीर्वाद देते हैं हमारी भक्ति साधना को और अच्छे से हम कर पाए अपनी भक्ति साधना। ओके, बहुत अच्छा,
जी सबसे बढ़कर ये होता है कि उनकी इंस्ट्रक्शन से, उनके आशीर्वाद से हम कृष्ण प्रेम को अच्छे से प्राप्त कर पाते हैं और भगवत ज्ञान को समझ पाते हैं। बहुत शुक्रिया रमेश कुमार जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी गुरु के गुरु से शास्त्र शास्त्र पढ़ने में हमारा को इजी हो जाए, शास्त्र के दौलत मिलती है। ठीक है गुरु। ठीक है ठीक है ठीक है बहुत बुनियादी, बहुत शुक्रिया। ओके मोटा 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 एक एक अंडरस्टैंडिंग अभी डेवलप हुई। स्पिरिचुअल गुरु और कृष्णा अलग नहीं है। ओके इस पे भी हम बात करेंगे। बहुत अच्छा तेविश कुमार जी, बहुत शुक्रिया। गुरु और कृष्ण अलग नहीं है। चले चले ठीक है। आइए कुछ हरे कृष्ण प्रभु जी। जी किसकी आवाज आई? रोशन जी जी फरमाइए। तो ये था यहाँ पे कुछ नेट का प्रॉब्लम था तो शुरू कहाँ से किया? बस अभी शुरुआत ही हुई है, कुछ ऐसा नहीं है। जैसे अब पहला ही इस आपस ही एक मशवरा चल रहा है बस कि गुरु क्या है, डिस्कशन है बस। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। ओके हरे कृष्णा। ठीक है अब कुछ हम श्रील प्रभुपाद और बेसिकली शास्त्र से जो है गुरु के बारे में कुछ हम कोट्स देखेंगे। ठीक है देखते हैं क्या निकल के आता है। कुछ देर तक हम चलते रहेंगे, उसके बाद फिर हम रुक के फिर बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ये देखिए ये एक नया लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, जैसे यहाँ पर आया पिछले वाले में था गुरु तत्व। अब ये क्या चीज है गुरु तत्व? कुछ देर इस पे बातचीत करेंगे। तो ये बांग्ला है, दरअसल ये बांग्ला है चैतन्य चेतामृत है। गुरु कृष्ण रूप मान शास्त्र प्रमाण है, गुरु रूप कृष्ण कृपा कौरिन भक्त जन है। तर्जुमा देख लीजिए इसका, चैतन्य चेतामृत पहला अध्याय चौथा श्लोक। अकॉर्डिंग टू द डेलिबरेट ओपिनियन ऑफ ऑल रिवील्ड स्क्रिप्चर्स, सभी शास्त्रों के मतानुसार मत के मुताबिक स्पिरिचुअल मास्टर इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण। हाँ ये तेविश कुमार जी ने भी बोला था कि अलग नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये अंग्रेजी का, ये अंग्रेजी में एक लफ्ज इस्तेमाल, दरअसल ये अंग्रेजी का लफ्ज है नहीं। अगर आप कभी भी गूगल में टाइप करेंगे या वर्ड में कहीं पर टाइप करेंगे नॉन डिफरेंट, वो लाल कलर आ जाएगा, यानी ग्रामेटिकली ठीक नहीं है। अंग्रेजी में होता है नॉट डिफरेंट, पर ये लफ्ज नॉन डिफरेंट जो है ये ईजाद की गई है। जी हाँ सही सुना आपने, ये ईजाद की गई है। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और उसके बाद प्रभुपाद, इन्होंने ये कुछ लफ्ज हैं जो ईजाद की है, क्योंकि संस्कृत में जो इस्तेमाल किया जाता है लफ्ज इसके लिए उसका इंग्लिश इक्विवेलेंट था ही नहीं, मौजूद ही नहीं था, तो बनाना पड़ा। तो ये नॉट डिफरेंट नहीं है, सब लोग मोटा मोटी अंग्रेजी समझते हैं, ये नॉन डिफरेंट है। नॉन डिफरेंट का है, माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए जिनको अभी बातचीत नहीं कर रही है, शोर आ रहा है। रोशन तरह जी बंद कर लें इसको, और भी कोई है यहाँ पर जिसका माइक्रोफोन ऑन है? कचर बचर चल रही है। और रामलेखा भी माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए। हाँ अब बंद हो गया, आवाज बंद हो गई। ठीक है तो ये नॉन डिफरेंट, नॉन ये दरअसल इसका संस्कृत लफ्ज जो है वो है अभिन्न। नॉन डिफरेंट को जो है वो अभिन्न कहते हैं। अभिन्न का मतलब एक जैसा होता है, एक नहीं होता। ठीक है इसे लिख लीजिए, आप लोगों के लिए नई चीज होगी। हो सकता है कई लोग 15-15 20-20 साल से प्रभुपाद की किताबें पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं और पढ़ते हैं नॉन डिफरेंट, समझ आता है एक है, एक नहीं है, एक सा है। गुरु और कृष्ण में कई जगहों पर जो है समानता हो सकती है, दोनों में जो कई चीजें जो एक जैसी हो सकती है, मगर गुरु और कृष्ण एक नहीं है। ठीक है मैं उम्मीद कर रहा था कोई पूछेगा क्यों नहीं है। एनीवे अगर आपको समझ आ गई ये बात तो आगे चलते। लॉर्ड कृष्ण इन द फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर डिलीवर्स हिज डिवोट्स।
भगवान श्री कृष्णा गुरु रूप में आकर शिष्य को तारते हैं, उनको यहां से निकालते हैं, ठीक है। इसको गुरु तत्व कहते हैं। यानी गुरु तत्व क्या हुआ? दरअसल भगवान जो कि एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में आकर हमें तारते, जैसे गुरु तत्व कहते हैं। ये गुरु नहीं है, गुरु तत्व है, प्रिंसिपल। आगे चलते हैं। यहाँ पर चैट आ रहा है, माफ कीजिए मैं अभी चैट देख नहीं पाऊंगा। गुरु तत्व इसी 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 श्लोक के तात्पर्य में से और आगे लिया गया। रिलेशनशिप ऑफ अ डिसाइपल विथ हिज स्पिरिचुअल मास्टर इज एज गुड एज हिज रिलेशनशिप विथ द सुप्रीम लॉर्ड। ये देखिए बार बार प्रभुपाद इस तरीके के लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, एज गुड एज मतलब उतना ही अच्छा है, एक नहीं है वैसा ही। रिलेशनशिप गुरु और शिष्य के बीच का जो आपसी रिश्ता है वो उतना ही वैसा ही होता है जैसे कि भगवान और उसका उसका रिश्ता हो भगवान के साथ। स्पिरिचुअल मास्टर ऑलवेज रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ एज द हम्बलेस्ट सर्वाइटर ऑफ पर्सनालिटी ऑफ गॉड। आध्यात्मिक गुरु जो है अपने आप को भगवान का बहुत ही अदना जो है एक सेवक के रूप में जो है अपने आप को पेश करता है। बट द डिसाइपल मस्ट लुक अपॉन हिम एज द मैनिफेस्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड। मगर शिष्य को चाहिए कि वो गुरु को भगवान के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जो है देखे, तो वो उनको उस तरीके से देखे। दो अलग अलग चीजें हैं। ये देखिए यहाँ पर आध्यात्मिक गुरु अपने आप को भगवान के अदने सेवक के रूप में पेश करता है, मगर गुरु जो शिष्य है उसका रवैया और तरीके का होगा, वो इस तरीके से देखेगा जैसे कि वो भगवान से कृष्ण का ही रिप्रेजेंटेटिव हो, उनका ही नुमाइंदा हो। गुरु अपने आप को कृष्ण के नुमाइंदे बतौर नुमाइंदा पेश नहीं करते, गुरु अपने आप को अदना सेवक के रूप में पेश करते, मगर शिष्य जो है गुरु को नुमाइंदे के रूप में देखता है भगवान। ठीक है, ये दो अलग अलग चीजें। अभी गुरु तत्व ही चल रहे, गुरु तत्व के अलग अलग पहलू चल रहे हैं, हम पहले इसको कवर कर लेंगे उसके बाद हम बातचीत के सिलसिले को सवाल जवाब कर लेंगे। साक्षात हरित्वे न समस्त शास्त्र, ये फिर हमारा हम सुबह गाते हैं मंगल आरती के इससे प्यार है। दिस इज जॉइंट इज एवरी, ये हर शास्त्र में जो है इसी तरीके की बात बताई गई है। आचार्य माम विजानियात, श्रीमद् भागवतम से प्रभुपाद फिर वहां से ले रहे हैं कि वन शुड कंसिडर द आचार्य टू बी एज गुड एज, ये देखिए सेम नहीं है, एज गुड एज, हमेशा प्रभुपाद इस तरीके की जबान इस्तेमाल करते हैं कि हमें आचार्य को गुरु को भगवान के जैसा समझना चाहिए। भगवान नहीं समझना है नहीं क्योंकि, मगर भगवान जैसा समझना चाहिए। इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस, इन सारे अलग अलग हिदायतों के बावजूद भी, इफ वन कंसीडर द स्पिरिचुअल मास्टर एन ऑर्डिनरी बीइंग, अगर इतना सब कुछ सुनने के बावजूद भी अगर आप आध्यात्मिक गुरु को एक अदने इंसान के बराबर समझते हैं, वन इज डूम, तो उसका जो है नाश हो जाएगा। ठीक है, उसका सत्यानाश, उसका नाश का मतलब क्या, उसके आध्यात्मिक जीवन का सत्यानाश हो जाएगा, ये मतलब। श्रीमद् भागवतम से है ये सारे जितने भी तमाम जो कोर्ट्स हैं सारे आपके हैंडबुक में, कोई भी एक भी ऐसा कोर्ट नहीं है जो आपके हैंडबुक में नहीं है। अगर आपको इन कोर्स की तफसीलात चाहिए, अगर आप बाद में इनको देख पढ़ना चाहेंगे, मुझे यकीन है आप जरूर पढ़ेंगे, आपको जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए आप चले जाएं, एक सेकंड, हाँ लेना ना, ये पेज नंबर 14 के बाद से, 14, 15, 16 तीन पेजेस में से जो है सब कुछ उठाए हैं। ठीक है, ओके, आगे चलता हूँ। अब ये बड़ा ही एक अहम, ये एक एग्जांपल है, एक नजीर दिया है प्रभुपाद ने। पोस्टमैन मे डिलीवर अस $100। अब ठीक है, अब तो ईमेल का जमाना आ गया है, पर डाकिया होता था पहले, है ना,
पोस्टमैन डाकिया होता था, वो चिट्ठी लेके आया करता था। तो वो क्या करता था, कई बार पहले चिट्ठी के, अब याद होगा सबको, पहले चिट्ठी में जो कई बार पैसे भेजे जाते थे, तो वो उसने मान लीजिए $100 वो आपको आके देता है, बट वी डू नॉट कंसिडर दैट पोस्टमैन इज गिवन अस $100। पर हमें ये अच्छे से मालूम है कि वो पैसे पोस्टमैन लेके आए हैं, पोस्टमैन के नहीं है, डाकिया वो पैसे मुझे देने आया है, पर वो डाकिया पैसे नहीं दे रहा मुझे, डाकिया के पैसे नहीं है वो। द मनी इज बीइंग सेंट बाय अ फ्रेंड, पैसा किसी दोस्त ने भेजा है मुझे, एंड इट इज सिंपली अ पोस्टमैन बिजनेस टू हैंड ओवर एज इट इज, और ये पोस्टमैन का काम है कि वो पैसे जस के तस उठा के हमें भेज दे दे, विदाउट टेकिंग एनीथिंग और एडिंग एनीथिंग टू इट, ना उसमें से कुछ निकाले और ना ही उसमें कुछ जोड़े। जैसे पैसे हमारे दोस्त ने भेजे थे हूबहू वैसे ही हमें दे दे। आगे, his perfection is that he delivered the $100 as it is sent by one's friend। तो पोस्टमैन जो है अपने आप में परफेक्ट माना जाएगा, परफेक्ट माना जाएगा अगर वो $100 जैसे पीछे से आए थे वैसे ही $100 मेरे हाथ में थमा दे। That is his perfection। यही उसकी पूर्णता है, ये उसका परफेक्शन है, ठीक है, यही उसको मुकम्मल बनाता है, पोस्टमैन को मुकम्मल यही चीज बनाती है। पोस्टमैन में भी इम्परफेक्ट इन सो मेनी वेज, पोस्टमैन के अंदर जाती तौर पे कई खामियां हो सकती हैं और खामियां हो सकती हैं, मगर अगर वो अपना काम मुकम्मल तौर पर कर रहा है, मुकम्मल कर रहा है, तो वो परफेक्ट माना जाएगा, ठीक है। इस एग्जाम्पल को याद रखिएगा, ये काम आएगा पूरे कोर्स के दौरान। ओके, इसके बाद एक और पहलू है गुरु तत्व का, ये अलग अलग पहलू है, तो एक बार करके फिर जनरल स्पिरिचुअल मास्टर, ये इसको ध्यान से सुनिएगा, ये अक्सर इस पे बहुत लड़ाई झगड़ा होता है। जनरली द स्पिरिचुअल मास्टर कम्स फ्रॉम द ग्रुप ऑफ सच इटर्नल एसोसिएट्स ऑफ द लॉर्ड। बेशतर सूरत हालों में आध्यात्मिक गुरु वो भगवान के जो साथी होते हैं, जो भगवान के साथ उन्हीं के जगत में गोलोक वृंदावन में रहते हैं, उनमें से भी कई बार होते हैं, हो सकते हैं, मगर अगर कोई यहाँ पे कोई इंसान जो है वो उन्हीं सिद्धांतों पे उन्हीं उसूलों को हूबहू उनको फॉलो करता है, पालन करता है उनका, तो उसको भी उस इंसान को भी उसी तरीके के जो भगवान के जो साथी हैं, जो पार्षद हैं, वैसा ही माना जाएगा, वैसा वो नहीं, वैसा एज गुड एज। देखिए प्रभुपाद अक्सर इस तरीके की जबान इस्तेमाल करें, एज गुड एज, सेम नहीं, एज गुड एज। पर्सन हु इज अ लिबरेटेड आचार्य एंड गुरु कैन नॉट कमिट एनी मिस्टेक। तो देखिए जो मुक्त हो गए, ठीक है, या मुक्त था या तो ऊपर से आया है भगवान के वहां से, या यहाँ से चलते ऊपर जाके यहाँ से चढ़ते 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 मुक्त हो गया है, वो गलती नहीं करता। गलती का मतलब आध्यात्मिक उसूल पेश करने में गलती नहीं करता, ठीक है, मगर अगर कोई उससे नीचे निचले दर्जे का है, थोड़ा सा भी निचले दर्जे, यानी कि वो मुक्त नहीं है, फिर भी वो गुरु के का काम कर सकता है, गुरु की जिम्मेदारी निभा सकता है, और कैसे निभा सकता है, अगर वो अपने गुरु परंपरा को बहुत उसका सख्ती से, ईमानदारी से जो है उसको उसका पालन कर रहा है, उसे मानता है, प्रैक्टिस करता है। ये सब चिट्ठियां हैं, आप देखिए नीचे चिट्ठियां हैं, सवाल के जवाब में प्रभुपाद। ओके, यहां तक काफी है। अब यहां पर हम रुक जाएंगे, और अब इस जो भी अभी तक जो जो मौजू हमने लिया है, इसके मुताबिक जो भी सवाल जवाब कर रहे हैं, अगर आपने अपने एतराज अगर दर्ज कराने तो वो भी, ठीक है।
मैं पहले चैट देख लेता हूँ, एक मिनट, यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, मैंने अभी देखा नहीं इसके अंदर आए हैं। ओके, ये फीडबैक आया था, फीडबैक आया जी। अब जिनके भी इसके अंदर सवाल हैं, कोई कुछ जोड़ना चाहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी फरमाइए। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, ऐसा इन एनी केस क्या गुरु भगवान कृष्णा के भगवान कृष्णा में समा सकते हैं या उनके बराबर हो सकते हैं? जैसा कि एज गुड एज हम यूज कर रहे थे, एज गुड एज, मतलब ये तो एक तुलनात्मक बात हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा मतलब दो अलग अलग चीजें हैं, कभी ऐसा हो सकता है कि दोनों मिल जाए? सिर्फ एक ही सूरत हाल हो सकती है, अगर वो भगवान स्वयं ही उतर के आए हो। अदरवाइज जीव जो है, देखिए पूरी दुनिया में और दुनिया से परे भी तीन, इसको कहते हैं तीन, हम इसको कैसे पेश करें, जो पूरी कायनात है या कायनात से परे भी भगवान का जो धाम है, उसमें तीन सिद्धांत होते हैं, तीन उसूल चलते हैं उसके अंदर। पहला है जिसे हम कहते हैं ईश्वर, ईश्वर का मतलब हो गया भगवान, ठीक है, तीन चीजें। इसके परे कोई चौथी चीज नहीं है, जो भी आप आंखों के सामने देखते हैं या हम उन्मुक्त होने के बाद भी जाके देखेंगे, वो इन तीनों 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 में से एक कैटेगरी में होना पड़ेगा। जी प्रभु जी। या वो ईश्वर होगा या वो जीव होगा, जीव यानी आत्मा है, ठीक है। तीसरा, या वो माया होगा, माया यानी कि भगवान की शक्ति, या अंदरूनी शक्ति हो या बैरूनी शक्ति हो, ठीक है। और यानी भगवान खुद हो गए, रूह हो गई, और माया भगवान की ताकत हो गई, चाहे वो अंदरूनी हो चाहे वो बैरूनी हो। अब आप कोई भी आप उठाएं, कोई भी चीज जिसको भी आप जानते हैं, जैसे आपके पीछे की दीवार है, तो ये बैरूनी ताकत का नमूना है, ठीक है ना, अंदरूनी और है अध्यात्म जगत, ऐसे। तो अब ये जो तीन चीजें हैं ये इकट्ठे रहती हैं, मगर आपस में कभी मिलती नहीं। तो जीव जो है, जो रूह है, वो कभी वो भगवान के साथ उसका मिलन हो सकता है, मिलती नहीं, मिलन और मिल में मिलने में फर्क है, ठीक है ना। जैसे हम गले मिलते हैं, जब हम गले मिलते हैं तो हम समा नहीं जाते एक दूसरे के। सो ये है, ये तो ये जो समाने वाला सिस्टम जो है कि वो इसमें मिल जाएगा उसमें मिल जाएगा, इसको हम अपने जो वैष्णव जो हमारा फिलॉसफी है, जो फलसफा है, उसके तहत हम इसको कहते हैं मायावाद। मायावाद का मतलब है कि वो ये समझते हैं कि भगवान जो है वो माया की चपेट पे आ जाते हैं तो बेचारे इस दुनिया में फेंक दिए जाते हैं, और जब वो माया से मुक्त हो जाते हैं तो वापस मतलब भगवान बन जाते हैं। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मसला है, और ये कॉम्प्लिकेटेड रहेगा तब तक जब तक प्रभुपाद की किताबों में ये चीजें नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। सो उस धर्म नहीं जाते, मगर ये सवाल आपका जो है बड़ा यहाँ पर जायज सवाल था, बनता था। बहुत शुक्रिया जी। और ये लोगों ने जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, एक और प्रश्न था, चलिए आप। हाँ प्रभु जी, ये दूसरा प्रश्न ये है कि गुरु क्यों जरूरी है, क्या गुरु के बगैर भगवान कृष्णा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं क्या, परम सत्य को जान नहीं सकते हैं क्या? आपका सवाल ये भी बड़ा मतलब वाजिब सवाल है, क्या गुरु के बगैर नहीं जान सकते। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि नहीं जान सकते, मगर मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मेरे पास कोई ऐसे बहुत सारे कोई उदाहरण मेरे पास एग्जाम्पल्स नजीर हमारे पास है कि जिन्होंने जान लिया हो। तो हम कई चीजें होती हैं जो हम जिस हैद में रहते हैं उसको देखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए हम फैसले करते हैं। तो जैसे कुछ चीजें होती है जो आप टेक्निकली कह सकते क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता, मगर वो इतना मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है होता क्या है। तो आज तक जो हमने जितने भी ऐसे उदाहरण देखे हैं, इंक्लूडिंग जो भगवान खुद यहाँ इस दुनिया में आते, एक भी ऐसा मौका नहीं आया जब भगवान का कोई अवतार यहाँ पर हुआ हो और उन्होंने खुद कोई गुरु ना धारण किया। तो इसीलिए इसका मतलब भगवान ये हम सबको ये मैसेज देना चाहते हैं कि भाई ये रास्ता सेफ है, ये मतलब। धन्यवाद, शुक्रिया। दो लोग, तीन लोगों ने हाथ खड़ा किया है, जिन्होंने हाथ खड़ा किया है,
मुझे आवाज आ रही है, पर जिन्होंने हाथ खड़ा किया है मेरी गुजारिश है उन्हीं में से बोले, बगैर हाथ खड़ा करके अभी ना बोले। पहले मैं उनको ले लूंगा फिर उसके बाद आगे चलेंगे। जी फरमाइए प्रिया वल्लभ जी। जैसा कि यहाँ पर बताया कि गुरु कृष्ण से अभिन्न है, तो भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं 15.16 में कि द्वाविमाव पुरुषो लोको क्षरक चाक्षर एवच। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ना गुरु अगर हम किसी को स्वीकार करते हैं और बाद में पता चलता है कि वो उसमें वो सारी क्वालिटीज नहीं है या फोल्ड डाउन हो जाते हैं, तो फिर कृष्ण तो अच्युत है, कृष्ण तो कभी भी उनका तो कभी, तो हम कैसे कह सकते कि गुरु, हम अगर किसी को भी गुरु स्वीकार करते हैं और ये सोचते हैं कि भाई वो तो गुरु कृष्ण के तुल्य है और बाद में अगर उसमें प्रॉब्लम भी होती है या फॉल डाउन भी होते हैं तो फिर हमें उस सूरत में क्या करना चाहिए? ये तो शास्त्र के अलग टॉपिक है। ये टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा अच्छा आपने उठाया है ये। अगर आप देखना चाहें, खुद अगर पढ़ना चाहें, तो मेरी गुजारिश है कि आप लेसन नंबर 11 को रेफर कीजिएगा, जो हैंडबुक में लेसन नंबर 11 को रेफर कीजिए। मगर अभी क्योंकि आपने ये चीज उठाई है और कुछ हिस्सा अभी इसके अंदर है, तो मैं उसका जवाब दे आपके सामने पेश कर देता हूँ। ये इसीलिए मैंने ये स्लाइड खोली है, आप स्लाइड पर नजर डालिए। एन देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं, देखिए पिछला वाला अगर वो नहीं भी है मगर उन सिद्धांतों को पालन करने की कोशिश कर रहा है तो ठीक है। यानी कि अगर वो लिबरेटेड नहीं भी है, ये देखिए आप आ गए मेरे पास सर, नहीं भी है और फिर भी वो बतौर गुरु काम कर सकता है, यानी कि ये कंडीशनल है कि जहां तक वो जो गुरु है वो उन सिद्धांतों पे उन उसूलों पे चलता रहेगा कोई मसला नहीं है। अगर वो उसूलों पे नहीं चलता तो आपका कोई नुकसान नहीं है। इसलिए देखिए यहाँ पर जो बात हो रही है, इसलिए सबसे पहले हमने गुरु नहीं उठाया, मैंने बोला गुरु तीसरे दिन। आज जो हमारा मौजू है, आज गुरु तत्व है, किस चीज से आप उसको गुरु मानते हैं, ठीक है? यानी कि कौन सी वो क्वालिटीज है, कौन से वो गुण है जिसके वजह से आपने उसको गुरु माना। वो ये है कि वो जैसा जैसा भगवान बता रहे हैं वैसा वैसा वो कर रहे, उन सिद्धांतों में पालन, बस खत्म। हमें उससे लेना देना है, हमें उससे नहीं इतना फर्क पड़ता। तभी प्रभुपाद ने, इससे पहले मैंने आपको बोला कि इसको बहुत ध्यान से देखिएगा ये वाला एग्जांपल, और ये कई बार ये देखने में बहुत आम एग्जांपल लगता है मगर ये बात कह रहे हैं। ये देखिए यहाँ कह रहे पोस्टमैन का एग्जांपल दिया और उसके बाद क्या कह रहे हैं, पोस्टमैन में भी इम्परफेक्ट इन सो मेनी वेज, यानी कि उस गुरु के अंदर बहुत और जाती तौर पर बड़ी सारी खामियां हो सकती हैं, मगर अगर वो अपना गुरु का जो जो उसका जो जिम्मेदारी है उसको बखूबी निभा रहा है तो हम उसे परफेक्ट मानेंगे। बहुत गहरा विषय, अच्छा है आपने ये सवाल उठाया। अभी फिलहाल के लिए इतना और इसके आगे हम और भी चलेंगे। जैसे ये बिल्कुल प्यास के छिलकों की जैसे है, जैसे जैसे खोलते जाएंगे उतरता जाएगा छिलका, उतरता जाएगा एक के बाद एक के बाद एक परते जो है वो निकल के आएंगे। हाँ मुझे उम्मीद है फिलहाल के लिए, ठीक है प्रिया वल्लभी माँ जी, जैसा और कुछ पूछना है? लेकिन अगर गुरु में ही त्रुटियां हैं तो फिर वो शिष्य को कैसे परफेक्ट कर सकेंगे? जैसे यहाँ पर बताया ना कर सके, मगर उससे शिष्य का नुकसान नहीं है। शिष्य अगर गुरु की गलतियों की सजा शिष्य को नहीं मिलेगी। कर्म का सिद्धांत मालूम है ना माता जी, कर्म के सिद्धांत में कभी ऐसा नहीं होता कि आपका किया बोया हुआ मैं काटूंगा, आपका बोया आप काटोगे। तो अगर गुरु की गलती है गुरु को सजा मिलेगी, शिष्य को उसकी सजा नहीं मिलेगी। शिष्य को अपने गलत चॉइस की सजा मिल सकती है मगर गुरु के किए हुए गुनाहों की सजा शिष्य को नहीं मिलेगी। शिष्य को अपनी गलती की सजा मिल सकती है और वो गलती ये भी हो सकती है कि उसने एक नालायक गुरु चुना, वो हो सकता है।
मगर और कोई नुकसान नहीं होगा, वो शिष्य वहां से आगे क्या कहते हैं सही रास्ता पकड़ के आगे जा सकते हैं। शास्त्र में ऐसे कई एग्जाम्पल हैं, भागवतम में ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपको दो तीन एग्जाम्पल गिना देता हूँ अगर आपके तसल्ली के लिए। एक एग्जाम्पल आता है, बड़ा फेमस एग्जाम्पल है, वो 12वें स्कंद से है, वो है याज्ञवल्क्य मुनि, इनका नाम है याज्ञवल्क्य और इनके गुरु का नाम था वैशंपायन, वैशंपायन ऋषि। वैशंपायन इन्होंने महाभारत भी बोली है, युधिष्ठिर को महाभारत सुनाई थी। एनीवे तो ये वैशंपायन मुनि के अंदर कुछ खामियां थी जिसके वजह से इनके हाथ से ब्राह्मण कत्ल हो गया था, तो उसके वजह से जो कुछ खामियां निकल के आई बाहर, तो याज्ञवल्क्य मुनि के साथ वैशंपायन मुनि का इस चीज को लेके बहस हो गई और वैशंपायन मुनि ने तैश में आकर याज्ञवल्क्य मुनि को कहा कि ऐसा है तुम तो जो जाओ यहां से और जो मैंने तुम्हें विद्या दी है वापस देके जाओ। एक तरफ से देखा जाए तो उस गुरु की गलती थी पर उसने शिष्य को निकाल दिया, चला गया। अब उसने जाके सीधा भगवान से गुहार लगाई कि जी देखो मेरे साथ ऐसा हुआ है तो आप मुझे ज्ञान दीजिए। तो भगवान ने अवतार लिया, हाई ग्रीव अवतार, यानी कि घोड़े जैसी शक्ल है उसके अंदर भगवान की, आए और उन्होंने उनको कृष्ण यजुर्वेद, नहीं शुक्ल यजुर्वेद दिया, शुक्ल यजुर्वेद जो चार वेद है उसमें से एक यजुर्वेद के दो हिस्से, तो शुक्ल यजुर्वेद इस दुनिया में उससे पहले किसी को दिया ही नहीं गया था, भगवान ने आकर उसको दिया। मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद ये है कि शिष्य का, अगर शिष्य ईमानदार है, अगर वो भगवान की तरफ आगे बढ़ना चाहता है तो उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, उसकी भगवान मदद करेंगे, वो नहीं तो कोई और से किसी और को भेज देंगे, उसका नुकसान नहीं होगा। इसी तरीके से 9वें स्कंद में भागवतम के एक ही गुरु के तीन एग्जाम्पल आते हैं, वो गुरु का नाम है वशिष्ठ मुनि, तो उसमें भी तीन अलग अलग, जो प्रसिद्ध के साथ में होता है, विकुक्षी के साथ में होता है और एक और, हाँ और वो निमी महाराज, तीन लोगों के साथ ऐसा होता है। उसमें से जो तीसरा केस है निमी, वो तो अपने गुरु को भी पलट के श्राप दे देता है क्योंकि वो उन्हें श्राप देता और वो श्राप जो है नावाजिब था। तो ऐसे नहीं है कि शास्त्रों में ऐसे एग्जाम्पल्स नहीं है, हैं ऐसे एग्जाम्पल्स मगर ये बहुत रेयर है, रेयर है। अक्सर ऐसी चीजें, बाज़ औक़ात ऐसी चीजें सुनने को नहीं मिलती, मगर ये सारे मैंने एग्जाम्पल आपके सामने इसलिए रखे, ये इत्मीनान दिलाने के लिए, ताकि आपको ये एतबार हो जाए कि शिष्य का किसी भी सूरत हाल में नुकसान नहीं होगा अगर वो ईमानदार है। तो अगर शिष्य ईमानदार नहीं है या बेवकूफ है तो दोनों की सजा मिलेगी। थैंक यू, ठीक है, ठीक, बहुत शुक्रिया। हरे कृष्ण, अगला सवाल ले लेते हैं, जिन्होंने हाथ खड़ा किया सिर्फ वो बोले। प्रिया बल्ली मंजी, आप अपना हाथ नीचे कर लें ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो। हाँ जी, ये आदित्य जी, जी जी आदित्य प्रभु, हाँ जी, उसके बाद वीवो आपके पास आ रहा हूँ, जी वीवो आपके पास आ रहा हूँ आदित्य जी के पास। जी प्रभु जी, सवाल तो पहले एक था, जैसे अभी जो सुनी बातें तो उस पे एक सवाल आ गया जी। जैसे कि शिष्य अगर जो है गुरु देखता है कि गुरु गलत है तो वो गुरु को छोड़ सकता है जी। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे होता है कि कभी शिष्य खुद ही गलत होता है लेकिन उसकी समझ में ऐसे होता है कि वो शायद मेरे गुरु ही गलत है जी, हाँ हो सकता है। तो कैसे पहचानना चाहिए कि वो पहचान, हाँ तो इसलिए, इसके लिए देखिए ये गुरु क्या, इसलिए ये टॉपिक पहला टॉपिक नहीं है, ये 11वां टॉपिक है क्योंकि इसके लिए बड़ा इत्मीनान, इसके लिए बहुत एहतियात बरतना पड़ेगा। बहुत फूक फूक के एहतियात बरत के, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मतलब गुरु, मतलब यानी कि अगर वो गुरु ठीक है, यानी कि वो भगवान के, देखिए अगर वो भगवान के तरफ से उनका वो रिप्रेजेंटेटिव है और उनका उनकी नुमाइंदगी कर रहा है और ठीक से कर रहा है और आपने उसे झटक दिया, तो दरअसल देखा जाए एक तरफ से आपने भगवान को झटक दिया। इसीलिए बहुत एहतियात बरत के, जब आप बिल्कुल चारों तरफ से आपको ये इत्मीनान आप कर रहे हैं कि हाँ जो मेरा अंदेशा है वो वाकई में सही है, तब ही ऐसा कदम उठाना चाहिए वरना नहीं उठाना चाहिए। रोशन जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, पहले वीवो, उन्होंने हाथ खड़ा किया। प्रभु जी, और जो इसके इस टॉपिक पे जो सवाल था पहले वो था, जैसे गुरु करना चाहिए तो
ज्यादातर मानना ऐसे होता है कि हम शास्त्र पढ़ के जो है उनको गुरु बना लेते हैं, जैसे मैंने भगवद गीता पढ़ के जो है वो ज्ञान हासिल किया, तो मुझे कोई व्यक्तिगत गुरु बनाने की जरूरत नहीं है, तो मैं शास्त्र। ओ, अच्छा 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 अच्छा, ये बड़ा बड़ा चटपटा सवाल है। तो हाँ, ये इसके बारे में भी अभी आगे बात चलेगी, प्रभुपाद के खुद के कोर्ट आप देखेंगे इसके बारे में। पर ठीक है, क्योंकि आपने सवाल पहले पूछा, तो शास्त्र ही जो है, जो अगर उसने वाकई में वो शास्त्र पढ़ाते शास्त्र पढ़ रहा है, उसने शास्त्र पढ़े हैं, पढ़ रहा है उसको, और शास्त्र पढ़ रहे हैं, समझ आ रहे हैं, तो सबसे पहली बात उसको समझ आएगी कि उसको एक व्यक्तिगत गुरु चाहिए, चाहिए जी, क्योंकि शास्त्र बोल रही है। ये देखिए, ऐसा बात सुने, अगर तीन चीजें होती हैं जिससे आप एक मतलब इसमें आध्यात्मिक जिंदगी में आगे बढ़ते हैं और आप फैसले ले सकते हैं, तीन कसौटियां होती हैं, तीन कसौटियां, गुरु, फिर दूसरे वैष्णव भक्त साधु, उनको हम साधु कहते हैं, और तीसरा शास्त्र। इन तीनों में से जो सेंटर होता है वो शास्त्र होता है। गुरु का गुरु पहचानते हैं शास्त्र की बुनियाद पर, साधु कैसे आप कैसे पहचानेंगे शास्त्र की बुनियाद पर, तो बुनियाद शास्त्र है। तो अगर वो शास्त्र पढ़ रहा है तो वो बगैर साधु और बगैर गुरु के भक्ति नहीं कर पाएगा, और ना ही कर पाएगा, छोड़ दीजिए, नहीं करना चाहेगा, पाएगा तो छोड़ दें, वो चाहेगा नहीं, क्योंकि अगर उसने शास्त्र पढ़े हैं और उसको शास्त्र पर विश्वास है, वो देख लेगा इसके बगैर काम ही चलेगा, ठीक है ना। अगर तो ये है, ओके, पुरुषोत्तम प्रभु आपके पास मैं बाद में आऊंगा, पहले मैं उनसे मुखातिब हो जाऊं जिन्होंने पहले हाथ खड़े किए। इसमें एक तो विवो थे और एक रोशन तरह जी, पहले विवो जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कि हमारे इस्कॉन डिसिपल कोर्स में 11वां चैप्टर आएगा गुरु का त्याग, लेकिन अभी प्रिया वल्लभा माता जी ने भी आपसे पूछा, तो आपने कहा अगर गुरु ने गलतियां की, गुरु में मिस्टेक है, तो उसमें शिष्य की तो गलती नहीं है, नहीं। तो वो तो गुरु रख सकता है क्योंकि वो तो भगवान को प्राप्त करेगा। तो अगर हम अपने इस्कॉन में भी है और हम देखते हैं कि इस्कॉन में भी ऐसा हो चुका है पास्ट में कि बहुत से गुरुओं से मिस्टेक हुआ, फिर उन्होंने गुरु का त्याग किया और इस्कॉन के दूसरे गुरुओं से दीक्षा ली, तो ऐसे ही तो फिर हमारे शिष्यों को भी जो है इस्कॉन में है उनको गुरु का त्याग करने की जरूरत तो नहीं है, चैप्टर देने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि तो मिस्टेक गुरु कर रहे हैं ना, शिष्य तो नहीं कर रहे। हाँ, तो मगर आप उसके साथ नहीं चल सकते ना, फिर उसको आपने उसको गुरु जिस वजह से बनाया था, अब वो काम तो वो मुकम्मल नहीं कर पाएगा। मैंने देखिए, हाँ और क्या, सी मैं गुरु से रिश्तेदारियां गांठने नहीं आया, मैं कृष्ण से रिश्तेदारी गांठने आया। आप उसको ऐसे समझिए जैसे कि एक शादी होती है, तो मियां बीवी आपस में, एक लड़का और लड़की आपस में शादी करते हैं, ठीक है ना, मगर शादी कराने वाला जो एक पंडित होता है, तो पंडित की, तो जब हम शादी करने आते हैं उस मंडप पे मियां बीवी और पंडित होते हैं, तीनों होते हैं, तो हम पंडित से शादी नहीं करने आए, शादी एक दूसरे से करने आए। तो मैं जो रिश्ता बनाने आया हूँ वो भगवान से बनाने आया हूँ, कृष्ण से बनाने आया हूँ, और वो पंडित जो इस केस में गुरु है वो मेरा रिश्ता है कराने में, मतलब हमारी मदद करते हैं। पर अगर क्या, अगर मुझे ये पंडित जो है इसको शादी करानी नहीं आती, तो मैं क्या करूं, शादी ना करूं, या मैं काम करूं, एक काम करते हैं, मैं पंडित से ही शादी कर लेती हूं, बात ही खत्म, शादी करने आया तो शादी करके जाऊंगा, ये नहीं तो ये सही, ऐसा तो नहीं करेंगे ना, वो चीज है, ठीक है, ओके। रोशन तारा जी, शुक्रिया जी, फरमाइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी, गुरु का चयन हम करते हैं जैसे कि उपदेश अमृत में गुरु के गुण बताए गए हैं, जी हाँ जी हाँ, तो वो तमाम गुण अगर हम किसी गुरु में देखते हैं और उसको हम गुरु स्वीकार कर लेते हैं, और वो तमाम जो गुरु महाराज जी हैं तमाम नियमों को फॉलो करते हैं, लेकिन जिस गुरु से वो जिस संप्रदाय से वो गुरु जी ताल्लुक रखते हैं लेकिन उस संप्रदाय को फॉलो नहीं करते, तो क्या हम उस गुरु के साथ चल सकते हैं या नहीं चल सकते? बड़ा अच्छा सवाल है ये चीज, हमारा गुरु परंपरा वाला जो आएगा अभी इसी में, तो है आज इसी में अभी एक आप 10 मिनट का इत्मीनान करें उस पर पहुंच जाएंगे, और अगर आपको लगे कि उस वक्त के सवाल का जवाब नहीं आया आप दोबारा पूछ लीजिएगा, मैं सस्पेंस तोड़ना नहीं चाह रहा, ठीक है, ओके। विवेकानंद जी फरमाइए। हरे कृष्ण प्रभु, मेरा सवाल ये था कि अगर कोई शख्स, आपने जैसे बताया, सख्ती से पालन कर रहा है गुरु परंपरा का,
तो वो गुरु बन सकता है प्रभु, वो कौन सा गुरु बन सकता है, शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु? दोनों, क्यों नहीं दोनों, इससे हमारे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु, क्योंकि चलिए वो आगे हम बताएंगे कि पहले सिस्टम क्या था। एक्चुअली सिस्टम एक्चुअली हुआ क्या है, मैं आपको बता इतना बता देता हूँ। अभी हम में से बेशतर लोग जो हैं वो जो आध्यात्मिक जिंदगी में आए हैं, वो आप में से कई लोग ऐसे होंगे यहाँ पर मौजूद जो आध्यात्मिक जिंदगी में आए नहीं, लाए गए, यानी आप खुद नहीं आना चाह रहे थे, किसी ने आपको आके अप्रोच किया, आपको बताया कि जी ऐसा है हमारे मंदिर आइए, ये है किसी को, उसके बाद वो आया उनके कहने पे और उसको किताब ली, उसको किताब पढ़ी अच्छी लगी, या उसने प्रसाद खिलाया वो बड़ा अच्छा लग गया, या मंदिर में कथा कीर्तन है वो अच्छा लग गया, तो इस तरीके से। तो इस वजह से जो है कई ऐसे पहलू हैं जो इस गुरु शिष्य संबंध जब बनता है उसकी जरूरत नहीं रह जाती है, बंदा छलांग मार के सीधा इस पे आ जाता है, मगर फिर उसकी कुछ कमजोरियां भी रह जाती हैं। तो उस वजह से ये सवाल जैसे आपने पूछा है ये उठता है कि भाई शिक्षा है दीक्षा है क्या है, इस कौन के कॉन्टेक्स्ट में सवाल उठते हैं, और एक दो दिन में जो है ये भी धीरे धीरे बादल चढ़ जाएंगे। ठीक है, दीपक कुमार जी फरमाइए। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे शिक्षा गुरु है गौड़िया मठ में जी, इस्कॉन को, वो इस्कॉन से अलग है, इस्कॉन को फॉलो नहीं करते हैं, पर तत्व वही, उनका भगवान के बारे में समझाना उन्हीं के पीछे जो हमने सारा कुछ सीखा है, तो अभी इस्कॉन को फॉलो करें उनको फॉलो करना है जैसे वो कह रहे हैं। हम इसके बारे में भी बात करेंगे, इस्कॉन गुरुज जब आएंगे और गुरुज आउटसाइड ऑफ इस्कॉन, उसके अंदर एक और सेक्शन होगा, उस पर हम इस बारे में जो है और तफसील से बात करेंगे, थोड़ा इत्मीनान रखिए, हम इस पर तफसील से बात करेंगे, इस्कॉन के अंदर और बाहर बात करेंगे। ठीक है, आप ठीक है, सब्र रखिए, थोड़ा सब्र रखिए। ठीक है, ओके आदित्य, मैं आपको बस बाद में आ रहा हूँ, बस पहले आ चुका हूँ, पहले मैं ये देखूँ कि कोई ऐसा और छूट गया जिसको पहले एड्रेस करने की जरूरत है। ये शिशि गौंडी, ये तो राम यज्ञ प्रभु, राम से का प्रभु लग रहे हैं क्या? आपने हाथ खड़ा किया है? जी प्रभु जा रहे हैं। जी जी फरमाइए। हाँ प्रणाम। प्रश्न ये है कि जैसे आपने कहा था कि इस्कॉन में बहुत से ऐसे गुरु हैं जो नहीं हैं और दूसरी सेक्शन में है, जैसे कि भक्ति वेदांत नारायण स्वामी है या जो सरस्वती। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। एक मिनट बीच में ना बोले, उनको बोलने बात मुकम्मल करने दें जी। इस तरह जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी की जो लाइन में ये थे तो भक्ति गुरु हैं जी, उनको गुरु धारण कर सकते हैं, इसके प्लीज गाइड कीजिएगा। बिल्कुल, इस पर बात करेंगे हम तफसील से बात करेंगे। बिल्कुल, ये आपका सवाल बिल्कुल वही है जो पिछला सवाल आया था, वो रेलू जी का सवाल था, वैसे ही सवाल है, हम लेंगे इसको। एक आप एक दिन इंतजार कीजिए, ठीक है ओके। एक्चुअली क्या है, मैं कुछ सवालों के जवाब अभी नहीं दे रहा क्योंकि उसका एक मुझे बुनियाद बनाने की जरूरत है, फिर उसके बाद वो सवाल आपको ठीक से समझ आएगा। तो ये अब वो पीछे का सामान आगे, आगे का सामान पीछे होगा, तो उलट पुलट नहीं करना चाह रहा, बस सवाल के जवाब दे सकता हूँ, पर मुझे लगता है इंतजार करें थोड़ा सा ज्यादा फायदा होगा। हाँ जी जीरावानी जी, राजकुमार जीरावानी जी फरमाइए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, गुरु आदमी खुद करता है या उसका बंदोबस्त भगवान खुद ही करता है? बड़ा अच्छा सवाल है। दरअसल बंदोबस्त भगवान तभी करते हैं जब आप ऐसे चीज की चाहत भगवान के सामने रखते हैं। जैसे सारी दुनिया भगवान के पास जाके हर सब चीज मांग सकती है, क्या है दुनिया में जो भगवान से नहीं मांगा जा सकता, तो गुरु भी मांगा जा सकता है। दरअसल शास्त्र इस बात की तस्दीक भी करते हैं और आपसे ये आपसे इसकी उम्मीद भी रखी जाती है कि आप ऐसा करेंगे, तो दोनों चीजें। तो गुरु, आपको अगर गुरु की दरकार है तो आप जाएं भगवान से मांगे, सही है, तो फिर भगवान आपको जो है। हमारे में इतनी बुद्धि नहीं है कि हम परफेक्ट गुरु सिलेक्ट कर सके, तो हम सेवा में तो हैं, तो भगवान के आगे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, भगवान आपको जो अच्छा लगे तो गुरु। जाहिर बात है यही है, ये रवैया भगवान के ऊपर छोड़ सकते हैं। हाँ, ये रवैया ठीक है, क्या भगवान पे जाके बताएं, और साथ ही साथ दो चीजें, एक चीज है कि आपने भगवान पे छोड़ा,
मगर भगवान पे छोड़ने का मतलब आप हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठे। तो हम भगवान पे छोड़ते हैं का मतलब जब भी दुनिया में कोई भी काम, कोई भी जिंदगी का कोई भी पहलू जब हम भगवान पे छोड़ते हैं, इसका मतलब है कि मैंने अपने हिस्से का काम करने के बाद भगवान पे छोड़ा, अपना काम भगवान पर नहीं छोड़ा। आप समझ रहे हैं? ये फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। ये एक आलसी आदमी का और एक वैसा शख्स जो अपना फर्ज निभाता है, ये फर्क है उसका बीच में। फर्ज निभाने के बाद वो भगवान पे छोड़ता है, फर्ज निभाने अपना फर्ज भगवान पे नहीं छोड़ता। सही। एक काम करो भगवान, मेरे तरफ से आप ही कर दो, तो भगवान नौकर कर नहीं बैठे हमारे। सही हो। सही हो। बहुत शुक्रिया। ओके ओके थैंक। एक मिनट, मैं एक बार पूरा देख लो। हाँ सचिन नंदन प्रभु जी, जी फरमाइए। Hare Krishna Prabhu, Dhanvat Sama. Prabhu, I just want to know one thing. Can you little bit explain about authentic guru or bona fide spiritual master? Yeah, these are two different things. Prabhupada uses the term bona fide. Bona fide jo loves hai. Bona fide, I'm coming back, I'm switching to Urdu. Bona fide jo loves hai, wo uska matlab hota hai, angrezi mein usko kehte hai, in good faith. Ye Latin loves hai. Ye aaya hai bona fide se. Which में इटालियन में इसको बोना फिदी कहेंगे। सो इसका मतलब है इन गुड फेथ, यानी कि भरोसेमंद, which is little different from authorized, authentic, sorry, little bit different, बहुत slight different है, यानी कि कोई authentic हो सकता है, मगर हो सकता है मेरा उसके ऊपर भरोसा ना हो, क्योंकि रिश्ता है ना, yeah. रिश्ता बहुत बहुत ही individual होता है। जैसे मान लीजिए मैं शादी करना चाहता हूँ, तो मैं लड़की देख रहा हूँ, तो हो सकता है कोई लड़की है बहुत खूबसूरत है, सब कुछ ठीक है, पर मुझे पसंद नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो लड़की नाकाबिल है या ना अहल है, मेरे लिए नहीं है। okay. किसी और के लिए हो सकती है, ठीक है ना, तो उसकी अहलियत पर जो है कोई शुबा नहीं है। सो इसलिए वो ऑथेंटिक मसला नहीं है, फेथ मसला है। Okay. अगर मैं, हाँ, if I can repose my faith, अगर मैं अपनी श्रद्धा उन पर टिका सकता हूँ तो मेरा काम हो गया। So that's why Prabhupada author authentic loves बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, bona fide इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिश्ता जोड़ने की बात हो रही है। It's a very good question, very subtle but very significant. But so, how we will get to know about our like the spiritual we'll master is okay, he'll get so to sorry. He'll get thank to you know. So much. Eventually, you'll get to know. You'll okay, get to know. Thank you so much. This course is for that. How would you get to know? Krishna ji, Mataji. Dhanvas Pranam. Hare Krishna. Hi, Krishna. Prabhu ji, इसमें जो course number जो है ना quote number 4 था, उसके अंदर था कि गुरु as good as कृष्णा, मतलब गुरु जो है वो as good as, लेकिन जो है ना कृष्णा जो है वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड लिखा हुआ था, तो हम गुरु और कृष्ण को एक ही कैसे माने, क्योंकि कृष्ण जो है वो हमारा गुरु है। आपने तो बोला था, नहीं मैंने नहीं बोला, हरगिज नहीं बोला, ये रहा सामने वो कोट, नॉन डिफरेंट। मैं राधर इसी पे, राधर मैं इसी पे काफी देर तक बोलता रहा हूँ, हर कोट पे इसी पे मैं आपकी तवज्जो खींचने की कोशिश कर रहा हूँ। नॉन डिफरेंट है, नॉट डिफरेंट नहीं है, एज गुड एज है, सेम नहीं है। भगवान कृष्ण जैसे हैं, भगवान नहीं है। तो जैसे भी कैसे हो सकते हैं, क्योंकि कृष्णा जो है वो हमारे गोल हैं और जो गुरु हैं वो हमें लेके जाएंगे उनके पास। तो उनके जैसे कैसे हुए, गुरु जैसे से कृष्णा के पास, जैसे भी कैसे, मतलब जैसे मैं बताता हूँ कैसे, जैसे मैं बताता हूँ कैसे, जैसे जैसे यहाँ पर था, थोड़ा सा पीछे चले, उसी एग्जाम्पल पर वापस जा रहा हूँ। सर पोस्टमैन कहाँ गया, हाँ ये ठीक है ना, पैसे किसने भेजे, पैसे मेरे दोस्त ने भेजे, दिए किसने, पोस्टमैन ने, तो पोस्टमैन मेरे दोस्त जैसा हुआ, मगर दोस्त नहीं हुआ, क्योंकि पैसे दोस्त के जेब से आए हैं, पोस्टमैन की जेब से नहीं आए, ठीक है ना। पोस्टमैन में अपनी कई खामियां हो सकती हैं, जैसे आपने कहा, जैसे कृष्ण में कोई खामी नहीं होगी, मगर हो सकता है गुरु में जाती जिंदगी में कोई खामियां हो, मगर अगर वो बतौर गुरु अपना जो फर्ज है पूरी तरीके से निभा पा रहे, तो उसे परफेक्ट मानती,
ये नहीं कृष्णा और गुरु के बीच में कोई मुकाबला नहीं है ना, हो सकता है, मगर एक आध जगह पे मवाजना हो सकता है। और वो क्या था, वो ये था कि जो दोस्त मुझे $100 पहुंचा रहा था वो पोस्टमैन ने पहुंचा दिया, तो वहां पर हम कह सकते हैं कि दोनों बराबर है इस मामले में, हर मामले में नहीं, ठीक है। तो एक आध जगह पे मवाजना हो सकता है, मगर ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दोनों गुरु और कृष्ण एक हो। मैंने बताया सिर्फ एक ही सूरत हाल में हो सकता है, अगर स्वयं कृष्ण आए तो, जैसे अर्जुन के लिए कृष्ण था, तो अदरवाइज नहीं हो सकता, ठीक है। आवाज आ रही है ना? जी जी प्रभु, ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया। एक सेकंड में और देख लूं, फिर मैं आगे, मुझे अब आगे चलना है, मेरे काफी सवाल जवाब हो गए हैं, मुझे ध्यान है आदित्य प्रभु ने हाथ खड़ा किया था, मुझे याद है। और ये यहाँ से किसकी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा प्रभु, मूलचंद। जी 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 मूलचंद जी, फरमाइए। जी प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु मेरे दो तीन सवाल थे, एक आध का तो मुझे इससे रिप्लाई आ गया। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर कोई गुरु हम स्कूल से करते हैं तो आगे चलकर किसी वजह से वो स्कूल को जो है वो लीव कर गए, जी, इसको क्या करना चाहिए, उस गुरु के साथ जाना चाहिए? उस पे भी आएंगे, गुरु उस पे भी आएंगे। ये वो सारे तमाम सवाल जो आप लोगों के आ रहे हैं उस सबका जवाब इस कोर्स के अंदर है, बस थोड़ा सा इत्मीनान कीजिए। हालांकि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि वो सारे सवाल आ रहे हैं, कि इसका मतलब है कि आप सब इस कोर्स में रहेंगे। अगर आपके सवाल नहीं होते तो मुझे होता कि इसका मतलब इनको शायद तो सब सवालों के जवाब मालूम है, या इस कोर्स से जो है इनको कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, तो चले जाएंगे। पर आपके सवाल जो है आपको इस कोर्स में टिका के रखेंगे, तो इस सवालों के भी जवाब आपको मिलेगा, सब कुछ इस कोर्स के अंदर है। अगर आपको, अगर आप जानना चाहते तो इसके जो पीछे जो अपेंडिक्स दिया हुआ है तो उसको आप एक बार जरूर देखें, अपेंडिक्स में कई सवालों के जवाब है, ठीक। और जब हमारा इसका वक्त आएगा तो हम उस पर बातचीत करेंगे, ठीक। ऐसा नहीं आप लोगों के सवाल में भूला हूं, मुझे याद है, और वक्त आने पर उसके जवाब भी मिलेंगे। यस, और किसकी आवाज आ रही है? पर मुझे एक और सवाल है उसमें छोटा सा। जी जी फरमाइए। इस बुक में मैंने रीड किया था कि अगर हम गुरु के बिना कृष्ण को पाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो बिल्कुल जायज है, तो भक्ति जो होती है वो तो सेव होती है, वो तो कभी मरती नहीं है, वो ये एक वो एक हमेशा रहेगी। जी बिल्कुल, इस हवाले से थोड़ा सा बताइए। कुछ नहीं है उसका मतलब, ये जैसे आपका बैंक अकाउंट है, ठीक है, बैंक का पैसा आपका है, पर आपने जो है सर कुछ भी, आप नहीं किसी, अपने आप को निकाल दीजिए, सॉरी, कोई 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 फर्द है, शख्स का अपना एक बैंक अकाउंट है और वो शख्स जो है जालसाजी करता हुआ पकड़ा गया, तब क्या करेंगे? उसका सरकार क्या करेगी? उसका बैंक अकाउंट फ्रीज कर देगी। इसका मतलब ये नहीं कि उसके बैंक के पैसे जब्त कर लिए उसने, बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया, उसको पैसे दिखाई देंगे, जब वो लॉग इन करेगा उसके अकाउंट में पैसे दिखाई देंगे, निकाल नहीं पाएगा, बस। थैंक यू। ये बिल्कुल वैसे ही है कि यानी कि जब तक उसका असर खत्म नहीं होता, ठीक है ना, तब तक वो उस भक्ति से फायदा नहीं उठा पाएगा, रहेगा जाएगा नहीं, दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती, ठीक है, ओके, शुक्रिया। तो अब हम आगे चलते हैं, अब काफी देर हमने सवाल जवाब किए, अब हम मुझे आगे जाना है, ठीक है, अगले मौजू की तरफ चलते हैं, टाइप्स ऑफ गुरु। चलिए आप ही बताइए कितने तरीके के गुरु होते हैं, आप लोग क्या, आप लोगों का क्या तजर्बा है, किस किस तरह के गुरु हो सकते हैं, कितने तरह के गुरु होते हैं? जी फरमाइए, मैं माइक हटा देता हूँ स्क्रीन। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा जी, आवाज आ रही है? जी फरमाइए प्रभु। बहुत सारे किस्म के हो सकते हैं, जिससे भी आदमी कोई चीज सीखता है तो वो गुरु ही हुआ, शिक्षा गुरु भी हो सकता है, दीक्षा गुरु भी हो सकता है। मैं इस लाइन पे बात करूं, इसी लाइन पे बात करो, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, दो आपने बताए, और जी जी फरमाइए। हाँ, ये मेरे को ज़हन पे आ रहे हैं, मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, कोई भी चीज आदमी, कोई भी विद्या, जैसे अर्जुन या इनके भी बहुत गुरु थे, उसने कोई शिक्षा, कोई हथियार की कहीं से ली, ये सब बहुत हो सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बड़ा आपने इसको एक बहुत ही ब्रॉड इस पे ले आए, बहुत शुक्रिया। बहुत हो सकते हैं गुरु, बहुत शुक्रिया जी, जी फरमाइए।
हरे कृष्ण प्रभु। गुरु जो है वो चार प्रकार के होते हैं। एक जो है स्वयं कृष्णा हमारे हृदय में बैठे हुए परमात्मा के रूप में, परमात्मा पहला वो, दूसरा वो दूसरा वो जो हमें जैसे हमें जिज्ञासा हुई कि हुज आई एम या हुज द गॉड, तो उसके थ्रू हम कृष्ण कॉन्शियस में आए। फिर तीसरा वो गुरु जिसकी वजह से हमारी भक्ति में जो है वो इंटरेस्ट हुई, और मतलब जैसे मादी दुनिया से हम हटकर अपनी नींद खराब करके कृष्णा के लिए उठे, उसी के आधार पे जिसकी वजह से हमारे अंदर ये इंटरेस्ट आई। तीसरा वो, चौथा वो जिससे हम दीक्षा लेते हैं। ओके ओके ओके। और जगत गुरु शिला पर वो बात फर्स्ट, वो भी शिक्षा गुरु। अच्छा चलिए, तो अगर मैं सही समझ पाया हूँ तो मैं दोहरा रहा हूँ। एक तो जैसे आपने फरमाया कि शुरू में एक जो है जिसको जो परमात्मा जो हमारे हृदय में बसते, ठीक है ना, दिल में बसते, इसको हम कहते हैं टेक्निकली सब कहते हैं चैत्य गुरु। इसको मैं कैसे करूँ, एक सेकंड मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसको लिख कर सबके सामने रख सकूँ स्क्रीन। एक सेकंड मैं ठीक है, मैं अंग्रेजी में लिख रहा हूँ, एक मिनट सब लोग देख सकें। ठीक है, इसे कहते हैं चैत्य गुरु। एक ही हो सकता है, ठीक है, एक एक गुरु एक चैत्य, यानी कि जो ये इसको आप परमात्मा कहते हैं। एक आपने बताया जो शुरुआती तौर पर जिन्होंने जो है आपकी मदद करी, जो आपको लेके आए भक्ति में, या आप खुद आए भक्ति में तो आपको शुरुआती तौर पर जिन्होंने आपकी आपको सहारा दिया, बेसिकली आपको राह दिखाई, ठीक है, इसको हम कहते हैं रथ प्रदर्शक गुरु, जिसने आपको राह दिखाई, ठीक है ना। फिर एक हो सकता है जिसको आपने कहा कि जिससे हम शिक्षा लेते रहते हैं, अक्सर शिक्षा लेते रहते हैं, ये टर्म आपने काफी सुनी होगी शिक्षा गुरु, ये एक हो सकता है। फिर एक आपने कहा कि अगर किसी से मैंने दीक्षा ली है, ठीक है ना, वो आप दीक्षा गुरु भी कह सकते हैं। फिर उससे पहले मेरे ख्याल से अपने जीरावानी जी वो बता रहे थे कि कोई कितने भी तरह के गुरु हो सकते हैं, जैसे किसी से मान लीजिए मैंने हथियारों की ट्रेनिंग ली है, तो जैसे अर्जुन ने ली थी, सो उसको ये उसको आप कह सकते हैं गुरु कह सकते हैं, उसको आप आचार्य कह सकते हैं, वैष्णव शिक्षक कह सकते हैं, ठीक है, ये आप कह सकते हैं। हाँ, साधारण वैष्णव भी होते हैं, तो दूसरे जो साधारण वैष्णव भी होते हैं, देखा जाए तो प्रभु, जी जी फरमाइए, देखा जाए तो ये पूरा संसार हमारा जो है वो शिक्षा गुरु है, हो सकता है, मतलब जिस सब शिक्षा लेते हैं शिक्षा गुरु। हम इस लफ्ज को थोड़ा सा अलग रखेंगे अभी फिलहाल के लिए, ठीक है, हम देखेंगे ये हम इसको किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करते हैं, इसका पसमंजर क्या है, ये हम थोड़ा सा एक ही शिक्षा गुरु में जो है मन लगा हो, एक ही शिक्षा गुरु को के साथ चले, मतलब ये हम देखते हैं धीरे धीरे देखते हैं इन सब चीजों को, अभी आते हैं इस तरफ आते हैं। फिलहाल जैसे आपने कहा पूरी दुनिया में कोई भी हो सकता है, तो ये पूरी दुनिया के लिए ये कोई भी हो सकता है, ठीक है, जिससे भी आप कुछ सीख रहे हैं, ये मोटे मोटे मोटी मोटी चीजें हैं। ओके, अच्छा है, बल्कि अच्छा हो गया, इस पे हमने यहाँ पर बात कर ली। आए चले, अब मैं स्लाइड की तरफ जा रहा हूँ। अभी इस जो हमारा ये जो कोर्स है इसके दायरे में जो हम बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे अभी हम इसको देखते हैं क्या है दीक्षा गुरु।
ये दरअसल दीक्षा गुरु का जो है ये शास्त्र में ये कहा गया है कि ये एक ही होना चाहिए, ये एक ही हो तो अच्छा है, ठीक है। और उसके बाद जो है दूसरा जो कैटेगरी है, अच्छा दीक्षा गुरु करता क्या है, दीक्षा गुरु करता क्या है, दीक्षा देने के अलावा भी कुछ करते हैं, दीक्षा देने के बाद कहते हैं अच्छा अब टाटा आप सीधा वैकुंठ में मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो है ये हमें हिदायत देता है, ठीक है, आध्यात्मिक जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। इनिशिएट्स ऑफिशिएट्स कंटेंपरेटर, अब वो जो कौन उस परंपरा को लेके सवाल पूछते थे थोड़ा 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 करके अब आएगा, ठीक है। ये दीक्षा गुरु का काम है कि वो हमें इनिशिएट, लफ्ज का मतलब होता है हमारी शुरुआत कराए एक ऑफिशियल लेवल से, हो सकता है हमारी शुरुआत उससे पहले हो चुकी है, कई साल पहले हो चुकी, अच्छा हो सकता है जन्मों पहले भी हो चुकी, मगर इस जिंदगी में, इस जिंदगी के इस पड़ाव में हमें ऑफिशियल एक तरीके से जो है कायदे से जो है हमें हमारी शुरुआत कराता, ठीक है। और क्या ऑफिशिएट्स कनेक्शन टू परंपरा, ऑफिशिएट्स कनेक्शन का मतलब क्या है कि हमारा संबंध गुरु परंपरा से भी जोड़ता है। देखे हाँ ठीक है, अब मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, अगर आपको समझना है तो अभी पूछ लीजिएगा, ठीक है, और समझ आ गया तो हम आगे चल पड़ेंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस पर सवाल आएगा। हमारे जब दीक्षा होती है तो हमारा जो संबंध है वो सिर्फ एक फर्द जो दीक्षा गुरु है जो आपके आंखों के सामने है उससे नहीं जुड़ता, बल्कि गुरु परंपरा से जुड़ता है, ठीक है। सिर्फ उस एक फर्द से हमारा संबंध नहीं जुड़ता, पूरे गुरु परंपरा, दीक्षा का मतलब यह कि आप एक परंपरा से जुड़ रहे हैं, सिर्फ गुरु से नहीं जोड़ रहे, श्री प्रभुपाद के परिवार से जोड़ रहे हैं, पूरा पूरी परंपरा से जोड़ रहे हैं, श्री प्रभुपाद जिस परिवार से उससे भी आप जोड़ रहे हैं। तो कुछ देर पहले किसी ने सवाल शायद प्रियावल्ली माँ जी पूछ रही थी या कोई और कृष्णांगी माँ जी थी अगर मुझे ठीक से याद है तो, कि गौड़िया मठ के बारे में पूछ रही थी, तो हम गौड़िया मठ या इस्कॉन नहीं, हम गौड़िया परिवार से जोड़ रहे, पूरे परिवार से जोड़ रहे, ठीक। ये दीक्षा का मतलब है। यस जी जीरावानी जी फरमाइए। प्रभु गुरु वो फिर वो किसी परंपरा से नहीं हो उसे, हाँ, तो फिर आप परंपरा से नहीं जोड़ रहे, फिर आप सिर्फ एक फर्द से जोड़ रहे, तो वो बड़ा रिस्की है, क्योंकि परंपरा से जुड़ने के फायदे ये हैं, परंपरा से जुड़ने के फायदे हम इसके बारे में आगे भी बात करेंगे, बट चलिए अभी के लिए क्योंकि आपने हाथ खड़ा किया है। परंपरा से जुड़ने के फायदे ये हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक घर है या एक कुंभ है, परंपरा का मतलब एक पूरा कुंभ हो गया ना, तो अब मान लीजिए कि मेरा बाप जो शराबी निकला, ठीक है ना, मगर मेरे चाचा हैं, मेरे मामा हैं, मेरे बाकी तमाम जो मेरे रिश्तेदार हैं, तो बच्चा पल जाएगा, पर अगर कोई भी नहीं है, ठीक है ना, और बाप भी नहीं रहा, तो फिर मैं कहां जाऊंगा, तो वाकई में यतीम हो जाऊंगा। तो गुरु परंपरा का फायदा यह है कि आप कभी भी यतीम नहीं होते, सो इसका ये एडवांटेज है बस, ये जाहिर बात है जब परंपरा शुरू हुई होगी, पहला वो शख्स जो इस परंपरा से जुड़ा होगा, तो उस वक्त एक पूरा परिवार उसको नहीं था, मगर जैसे जैसे परंपरा बढ़ती गई तो परिवार बनता गया, अब आपके पास आप बहुत बड़ा खानदान है, ठीक है। सो ये मतलब है, मगर उसमें जाहिर बात है बाप की अपनी अहमियत है, और जो मतलब बाप का दबदबा भी है, ठीक है, ये चीज है, ठीक है। आगे चल रहा हूं, तो वैसे क्या करते हैं जी, फरमाइए मूलचंद जी। हाँ जी, पर वो गुरु करने के बाद कितनी चेंजिंग आती है भक्त में, जैसे अभी हम डीले हो जाते हैं, कभी मन करता है मंगलारती में होते हैं, कभी नहीं होते हैं, कुछ भी नहीं, कोई चेंज नहीं आता, सारा चेंज आपको लाना पड़ता है, मतलब वो जो स्वीकार उनका जो आशीर्वाद होता है, तो क्या कोई शक्ति, आशीर्वाद आपको इनकैश करना पड़ता है। अच्छा, जैसे सरकार ने जो है आपको चेक दिया 10 लाख रुपए का इनाम, बैंक में डालोगे तो आएगा ना पैसे, जेब में लेके घूमोगे तो कैसे होगा, फिर बिल्कुल वैसे ही। गुरु का आशीर्वाद का मतलब है कि उन्होंने आपको
उनका बेस्ट विशेज आपके साथ। चलिए तो हाँ, अब मशक्कत आपको करनी है। इतने अच्छे अच्छे रिप्लाई कर रहे हैं, शुक्रिया। ये अब देखिए अगला काम है गिव स्पिरिचुअल नेम। जैसे इसीलिए आप देखते हैं कि दीक्षा जब हो जाती है, क्योंकि फॉर्मेलिटी है, बड़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मेलिटी है, जैसे है बिल्कुल शादी जैसे ही है, जैसे शादी है। अगर एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं और पूरी जिंदगी आपस में जो है एक साथ रहने की कसम खाते हैं, एक दूसरे का साथ देने की कसम खाते हैं, तो ये शादी का जो जो असली जो उसका जो एसेंस है वो ये। मगर फिर भी ये उससे उनसे तवक्कुल करी जाती है कि आप जाकर इसे मंदिर में या कोर्ट में रजिस्ट्री करा के साथ शादी कर लें, ठीक है। तो ये है दीक्षा। अगर मैंने किसी की शिक्षा ता जिंदगी पालन करने का बीड़ा उठाया है और मैं जो है ये उसको जो है ये मैंने अपने तरफ से या सामने दोनों तरफ से जो है ये हो गया कि ठीक है, मैं आपके जैसा आप मुझे बताएंगे आध्यात्मिक जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, मैं आपको जो है वादा करता हूँ कि मैं वैसा करूँगा, और सामने वाला भी ये वादा करता है कि मैं ता जिंदगी जो है आपकी मदद करता रहूंगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये था, ये उसका एसेंस है। मगर फिर अगर ऐसा है तो उसको एक अमली जामा पहनाने के लिए हम शादी करते हैं या दीक्षा लेते हैं, ठीक है। एक्चुअली दीक्षा जो है ना गुरु शिष्य का जो ये रिश्ता है, और शादी क्योंकि ज्यादातर लोग शादीशुदा है तो उनको समझना बहुत आसान है, बिल्कुल एक जैसा है। अच्छा ये भी एक जैसा है, एक नहीं है, ठीक है। जैसे कृष्ण और गुरु एक जैसे थे, एक नहीं है, ठीक है, तो ऐसे शादी और दीक्षा जो है एक जैसे। तो वहां पर जो है एक स्पिरिचुअल नाम मिलता है, एक आदत। जैसे कि अक्सर हमारे यहाँ रिवाज है कि अगर लड़की ब्याह के आती है जिस घर में, तो फिर वो उसका नाम लेती है ना। जैसे वो माहेश्वरी खानदान से ब्याह कर जो है अगर वो तारवानी खानदान में जाती है, तो फिर उसका नाम तारवानी हो जाता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से जब हम दीक्षा लेते हैं तो हम जिस खानदान से हैं, हमारा खानदान क्या है, दासों का खानदान है, ठीक है ना। गोपी भर्तु पद कमल दास दास अनुदास, हमारे यहाँ सब भगवान की नौकरी करने आए, तो इसीलिए जो हमारा नाम पढ़ता है, जो भी हमारा नाम पढ़ता है उसका जो सरनेम है वो यही होगा, या दास होगा या देवी दासी होगा, ठीक है। इसलिए नाम जो नेम है मेन, वो नेम दास या दासी है, तो पहले वाला नाम है वो ठीक है, वो भी उसका भी अपना एक रेलेवेंस है, मगर एक्चुअल नेम जो है वो दास या दासी। कोई मंत्र जो भी होंगे किताबों में लिखे होंगे, आप देखेंगे बाद में, तो मंत्रों में जो है वो ब्लैंक स्पेस छोड़ा होता है, वो कुछ भी हो सकता है, और पीछे होगा दास या दासी, ये चलेगा, तो ये हमारा नाम, ठीक है। दीक्षा गुरु के ये काम है, ये फर्ज है, ये सारे तमाम फराइज है। गिव्स मंत्र, जाहिर बात है फिर वो आपको मंत्र भी देते हैं जो आप भगवान के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये मंत्र के दो मतलब होते हैं, इसका मतलब हरे कृष्ण मंत्र भी होता है और गायत्री मंत्र भी होता है। दरअसल ज्यादा स्ट्रिक्टली अगर देखें इसको तो ये गायत्री मंत्र होता है, ज्यादा स्ट्रिक्टली देखें, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र करने के लिए आपको किसी भी शर्त, आपको कोई शर्त पालन करने की जरूरत नहीं है। हरे कृष्ण मंत्र कोई भी कर सकता है, इनफैक्ट शास्त्र तो यहां तक की इजाजत देते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र करने के लिए आपको दीक्षा की भी जरूरत नहीं है। और हम अपनी जिंदगी में देख सकते हैं, हमें यहाँ पर हो सकते हैं कई लोग यहाँ बैठे हो जिनकी दीक्षा ना हुई हो, तो क्या वो हरे कृष्ण महामंत्र नहीं कर रहे, और क्या वो हरे कृष्ण महामंत्र फलेगा, नहीं फलेगा। मगर आध्यात्मिक दीक्षा गुरु का जो रोल है वो, अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र से कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर आपको गुरु की जरूरत भी पड़ेगी, उसके बगैर अकेले आप नहीं चल पाएंगे, भटक जाएंगे, ये ठीक। शिष्य के हृदय को भी क्लीन कराता है गुरु जी? नहीं, गुरु कुछ नहीं कराता, गुरु सिर्फ ग्लीन करने का औजार देता है, वो है हरे कृष्ण महामंत्र। हाँ मशहूर, अच्छा है, आप ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, आप ऐसे पूछते जाइए, मूलचंद तो मेरी आपसे गुजारिश है ऐसे पूछते जाइए, तो ना ये भरम दूर होते जाएंगे।
हरे कृष्णा प्रभु जी, एक छोटा सा मैं पूछ सकता हूं पॉइंट? जी जरूर 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 जरूर। आप प्रभु जी जैसे हम यही पढ़ रहे हैं कि गिव्स स्पिरिचुअल नेम, गुरु हमें आध्यात्मिक नाम देते हैं, और गिव्स मंत्रास, हमें मंत्र देते हैं। दीक्षा के समय तो हम महामंत्र ही जप करते हैं, अपने 16 माला का प्रण करते हैं, 16 माला करेंगे जी, जी, और मंत्र जो देते जब हमारी ब्राह्मण दीक्षा होती तब हमें गायत्री मंत्र देते हैं जी बिल्कुल गुरु। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि गुरु पहले शरीर दीक्षा जब होती है तब हम स्पिरिचुअल नाम ही जपते हैं, महामंत्र जपते हैं। जब ब्राह्मण दीक्षा होती तब हमें गायत्री मंत्र देते हैं गुरु। जी हाँ, तो एक्चुअली ये दोनों दीक्षाएं एक जैसी, एक एक हिस्सा है पूरा, ये दोनों मिला के इसको मुकम्मल करती है दीक्षा। ये हाँ हाँ, तो ये वो इवेंचुअली मिल जाती है। हेमचंद जी फरमाइए। हरे कृष्णा प्रभु, धनुष प्रणाम जी, धनुष जी। प्रभु जी, एक भगत भगवान का दास है, वो भगत सरेंडर भी करता है, वो भगवान की भक्ति भी करता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, वो गुरु नहीं किया है उसकी, फिर मुक्ति होगी, क्या होगा उसका? बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि वो दीक्षा उसकी नहीं हुई है, उसकी कोई गुरु नहीं है, तो मुक्ति होगी कि नहीं होगी? दरअसल हमारा जो वैष्णव जो फलसफा है, हम लोग वैष्णव जो है वो मुक्ति को इतनी ज्यादा तवज्जो इसलिए नहीं देते क्योंकि मुक्ति हो सकती है, हो सकता है किसी की मुक्ति हो जाए, मगर हमारा वैष्णव जो फलसफा है वो ज्यादा जोर देता है भगवान की सेवा में, यानी कि दास। तो हम उसमें ये देखते हैं, मुझे मुकम्मल करने दें, हम उसमें ये देखते हैं कि क्या हमें भगवान की सेवा मिलेगी नहीं मिलेगी। ऐसी मुक्ति जो हमें भगवान की सेवा से भी मुक्त कर दे, वैष्णव ऐसी ऐसी सच बता रहा हूँ, वैष्णव ऐसी ऐसी मुक्ति पर थूकते हैं। सॉरी प्रभु, सेवा ही बोल रहा था मैं, मुक्ति नहीं बोल रहा, सेवा ही बोल रहा हूँ। हाँ, सेवा भगवान की मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलना मुश्किल है। देख, उसकी वजह आपको भगवान की सेवा कैसे करनी, क्या करनी है, ये कैसे, इसकी तालीमात कहां से मिलेंगी? अगर आप ये कहते हैं कि भगवान सिखाएंगे तो फिर भगवान आपके गुरु है। गुरु, हाँ, तो बात ये हो सकती है कि गुरु कौन होगा, बात ये नहीं कि गुरु होगा कि नहीं होगा। मेरा सवाल यही था कि अभी उसकी मृत्यु हो गई है, फिर उसको क्या दोबारा चांस मिलेगा उसको सेवा करने के लिए? यकीनन चांस मिलेगा, यकीनन चांस मिलेगा। जब तब तक चांस मिलता रहेगा जब तक, देखिए ये जो है ना आध्यात्मिक जिंदगी, इसमें आदमी फेल नहीं होता। अब पूछिए वजह क्यों फेल नहीं होता? इसलिए नहीं होता जब तक आप पास नहीं करेंगे, भगवान आपका पिंड नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? इसीलिए जी रोशन तारा जी, मुझे आगे जाने फरमाइए। प्रभु, जैसे आपने कहा कि उसकी जो सेवा कर रहा है और गुरु भी नहीं किया है, और भगवान 9वें अध्याय में बताते हैं कि अगर कोई मेरी शरणागत आते हैं पति से पति, तो उनको मैं मुक्त कर देता हूं, तो क्या गुरु के बिना भी मुक्त कर सकते हैं भगवान? भगवान कुछ भी कर सकते हैं, ये सवाल ही अपने आप में जो है ना कि भगवान क्या कर सकते हैं। भगवान के काबिलियत पे हम कोई शक नहीं करते, सवालिया निशान नहीं है। बात यह कि हमें क्या करना है, हमसे भगवान क्या तवक्कुल करते हैं। हमें भगवान ने एक रास्ता दिया है कि भाई मेरे पास आने के लिए जो है मैंने अपने ये जो नुमाइंदे छोड़े हुए, तो तुम क्यों नहीं जाते उनके पास? तुम्हें क्या परहेज है उनसे? या तो तुम्हें वो लोग पसंद नहीं है, तो आप बताओ क्या पास कौन पसंद है, मैं वो भेजता हूँ। अगर आप ये कहते हैं कि मुझे कोई पसंद नहीं है, मुझे आप ही को गुरु बनाना है, तो इंतजार कीजिए, भगवान का कोई अवतार आएगा तो तब तक इंतजार कीजिए। पर अगर आप इंतजार भी नहीं करना चाहते और वापस जाना चाहते, तो उनके जो नुमाइंदे हैं उनमें से किसी को चुन लीजिए। बड़ी सीधी से बात, अभी दोनों तरफ से लड्डू नहीं होंगे कि वो मुझे कोई बंदा भी पसंद नहीं आ रहा, मुझे वापस भी अभी जाना है, और भगवान भी अभी उतर के आ जाएं, तो भगवान अपने टाइम से उतर के आएंगे जब उनको यदा यदा ही धर्म से वाला के हालात पैदा होंगे, तो उस वक्त जो है भगवान उतर के आएंगे। आप इंतजार कीजिए, एक का तो हमें पता है 427,000 साल बाद एक तो उतर के आएंगे, इतना तो पता है। तो अगर आप 427,000 साल इंतजार करने के लिए तैयार है, सौबिस मिल्ला, मैं तैयार नहीं हूँ। हरे कृष्णा, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भगवान राम का जब अवतार था तो बहुत से गुरु और गोपियां थी जो भगवान से शादी करना चाहती थी। जी हाँ, जी हाँ, इसमें जन्म में तो अवतार में नहीं,
इंतजार करें, कृष्ण अवतार आएगा। मैं बस बस अगर मेरे साथ चल रहे हैं तो अभी चले, मगर आपको अगर मुझे अगर कृष्णा चाहिए थोड़ा सा इंतजार करें तो बस ठीक है। बहुत शुक्रिया। ओके तो अगला मैं आगे जा रहा हूँ। एक्सेप्ट, ये देखिए एक्सेप्ट डिसाइपल्स वाउज, यानी वो जो जब आप दीक्षा लेते हैं तो जो आप कुछ वादे करते हैं तो वो वादे भगवान की तरफ से, वो वादों को कौन मतलब कौन उसको ग्रहण करेगा, कौन उसे एक्सेप्ट करेगा, कौन स्वीकार करेगा, तो वो गुरु का काम है कि वो भगवान की तरफ से स्वीकार करते। वादे आप गुरु को नहीं कर रहे, भाग भाग वादे आप भगवान को ही कर रहे हैं, गुरु के मार्फत कर रहे हैं। ठीक है आगे चले। रिमूव द डिसिपल सिंपल रिएक्शंस एट इनिशिएशन, यानी कि जो दीक्षा के वक्त जो आपके वो पाप हैं जिसके वजह से आप भक्ति नहीं कर पा रहे, तो वो बेसिकली भगवान ही निकाल रहे हैं गुरु के मार्फत। वही सेम चीज, आपने भगवान के गुरु के मार्फत भगवान को अपने वादे पहुंचाए, भगवान ने अपनी कृपा यानी कि जो आपका खाता है वो साफ गुरु के मार्फत कर दिया। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है ना, ये आपका चिट्ठा है, आपके बहुत सारे पाप है, आप हर पाप के एवज जो है ये सजा लिखी हुई, ये सजा लिखी हुई, ये सजा लिखी हुई है, ये है ऐसा है। तब आप सोचेंगे इसका क्या होगा, ठीक है ना, मुझे तो ये करना पड़ेगा, इसका ये इसका इसका भुगतान देना पड़ेगा ऐसे ऐसे। अब भगवान के लिए क्या है, भगवान ने ये आपका चिट्ठा देखा और आपने कहा कि मैं वादा करता हूँ आगे से नहीं करूंगा, मैं आपके पास वापस आना चाहता हूँ, मुझे आप रास्ता दिखाएं, आपने अपना एक जो है नुमाइंदा भी मेरे पास भेज दिया है, मैं इसके कहे के मुताबिक चलूंगा, जो आपने शास्त्र में बताया उसके कहे के मुताबिक मैं चलूंगा, और जो दूसरे साधु हैं वो जैसा जैसा बताएंगे वो उस तरीके से जो है मैं आपकी तरफ आगे बढ़ूंगा, मैं वादा करता हूँ। वादा करते हो? हाँ जी वादा करता हूँ। कितना बड़ा चिट्ठा है, जाओ जी जाओ, हो गया। भगवान के लिए ऐसे ही है ना, चिट्ठा भगवान के पास था ना, फेंक दिया उठा के। ये है सिस्टम। तो गुरु जो है जो शिष्य के जो पाप है वो खुद नहीं लेता, वो भगवान की तरफ से लेता है, उसके पास नहीं रहता। गुरु नहीं पचा सकता किसी के पाप, वो तो हमारा जैसे इंसान है ना, फर्द है, वो कैसे बचा सकते हैं, हम अपना पाप नहीं बचा पाते बाहर, क्योंकि भगवान है पीछे खड़े, वो दे देना मुझे दे देते जाओ मेरे लिए, ऐसे उठा उठा के फेंक दूंगा, तो इस तरह से। तो भगवान गुरु को सेफ रखते, हमें भी सेफ रखते, बशर्ते आप अपनी शर्तें पूरी करें। पुरुषोत्तम जी फरमाइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जैसा कि आपने बताया शर्त अगर पूरी कर रहे हैं तो भगवान ने इसको इसी शर्तों पे जो दर्श किया, बिल्कुल बिल्कुल, तो अगर ये शर्तें तोड़ना शुरू करते हैं तो दोबारा से रिवाइव हो जाएंगे, बहाल हो जाएंगे सारे पाप, उतना उतना हटता जाएगा, वो पाप ना हो पर वो अपने आप में एक पाप माना जाएगा, बहाल हो चाहे ना हो पर कम से कम वही अपने आप में माना जाएगा कि ये वादा खिलाफी कर रहे हैं। अगर आप वादा खिलाफ देखिए जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है दुनिया में, पूरी दुनिया में कहीं पे भी, अगर मैंने और आपने हम दोनों ने आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट किया, तो अगर आप अपने अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के किसी शर्त से मुकर जाते हैं जी, तो जी, मैं उस कॉन्ट्रैक्ट से नहीं बंधाऊंगा, मैं उस कॉन्ट्रैक्ट से आजाद हूं भाई। सीधी सीधी बात, आपने पैसे नहीं दिए मैंने सामान नहीं दिया, रोने वाली क्या बात, यही है। आपने शर्तें पूरी नहीं की, मैं आपको वापस नहीं लेके गया जी जी। लेकिन प्रभु जी यहाँ पर तो पैसे चुकाए भी नहीं और सामान मिल रहा है सिर्फ एक जबान पर कि मैं हाँ, तो एतबार कर रहे हैं ना, शुरुआत कैसे करेंगे, तो आगे मतलब प्रभु जी अगर एतबार तोड़ते हैं तो फिर वो दोबारा आगे नहीं मिलेगा, आगे नहीं मिलेगा जी। बिल्कुल वो उतना ही वैसे ही है। देखिए अगर आप सीधी सीधी बात, अगर कोई बहुत ही ताकतवर आदमी से आपका रिश्ता हो रहा हो तो उसके फायदे जितने हैं उस रिश्ते में खटास आने पर खतरा भी उतना ही होता है जी प्रभु। तो ये दुनिया का दस्तूर है। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। ओके आगे चलते हैं। अब देखें शिक्षा गुरु, इसके लिए साथ में लिखा हुआ मैनी, ये एक से ज्यादा हो सकती है, कई हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपका रिश्ता कैसा है।
ये इसका क्या काम है, शिक्षा गुरु का काम क्या है? एक काम, ये जो है आपको हिदायत दे, ठीक है, भक्तिमय जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ये आपको हिदायत दे और आप उस हिसाब से चले। ओके, तो यहाँ पर कोई सवाल है तो ले लेते हैं। शिक्षा गुरु एक से ज्यादा हो सकते हैं, इस पे अगर कोई सवाल है, कोई एतराज है वो दर्ज करा सकते हैं। सोच लीजिए, फिर मैं आगे जाऊंगा। ओके प्रभु जी, ठीक ठीक है, चले फिर हम आगे चलते हैं। ओके, अब हम देखते हैं शिक्षा क्या होती है, शिक्षा, ठीक है। अब यहां पर जो है इसको ध्यान से देखिएगा, अ डिवोटी मस्ट हैव ओनली वन इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर। अच्छा हाँ, इसके लिए एक चीज जरूरी है, आप अक्सर प्रभुपाद की किताबों में देखेंगे, जैसे पीछे मैं पीछे जा रहा हूं, ये देखिए यहाँ पर प्रभुपाद ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया, जनरेट स्पिरिचुअल मास्टर, अंग्रेजी में स्पिरिचुअल मास्टर। इससे क्या आपको क्या पता लगता है कि किसकी बात हो रही है, इन दोनों में से किसकी बात हो रही है, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु में से किसकी बात हो रही है? दीक्षा गुरु की बात हो रही है ये। ओके, स्पिरिचुअल प्रभु जी, ये दोनों की हो सकती है? नहीं, दोनों की हो सकती है। कौन है? पुरुषोत्तम गोविंद जी। जी जी प्रभु जी, वजह बताएं आपको ऐसा क्यों लगा कि दोनों की क्यों हो सकती है? प्रभु जी, शिक्षा आध्यात्मिक और भौतिक दोनों हो सकती है, तो यहाँ पर स्पेसिफिक तो नहीं किया गया कि हाँ, दरअसल यह स्पेसिफाई नहीं किया गया। जी जी प्रभु जी, यहाँ स्पिरिचुअल मास्टर का जो तर्जमा होगा वो होगा एक रूहानी गुरु, बस। हाँ, इसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ होगा, ये नहीं लिखा हुआ है कि ये रूहानी गुरु जो है वो दीक्षा देता है शिक्षा देता है, दोनों के लिए लागू होती। बहुत अच्छा, तो ये पहले इसको साफ कर ले, इसको लिख ले बेशक, क्योंकि जैसे आपने कहा कि जैसे ये होता है जिस तरीके से हमारी तालीम तरबियत होती है ना, जिस माहौल में हम रहते हैं, तो उसमें होता है कि हम सुनते कुछ है और दिमाग में एक पहले से तस्वीर बनी होती है, तो वो जैसे ही वो सुनते वो ट्रिगर हो जाता है, हाँ इसकी बात हो रही है, इसकी बात नहीं हो रही, इसकी बात। दरअसल वही जो तस्वीर पहले से बनी हुई है वो आगे कुछ अंदर जाने से रोक देती है उसको, ठीक है। स्पिरिचुअल मास्टर गुरु, जब सिर्फ गुरु लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है या रूहानी गुरु इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पर दोनों की बात हो रही है। अगर तो वो सिर्फ दीक्षा गुरु की बात कर रहे हैं तो इस तरीके से लिखा हुआ होगा, जैसे मैं आया, मुझे याद भी वहीं से आया था। यहां देखें, इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर, दीक्षा देने वाला रूहानी गुरु, दीक्षा गुरु। या अगर सिर्फ और सिर्फ शिक्षा गुरु की बात होगी तो वहां लिखा होगा इंस्ट्रक्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर, शिक्षा देने वाला रूहानी गुरु या शिक्षा गुरु, ठीक है। ये बहुत ही अहम चीज है, इसके चलते जो है बहुत गलत फहमियां पैदा हो जाती है, दीक्षा गुरु की नहीं हो रही सिर्फ बात, ऐसा नहीं है कि सारी की सारी दुनिया की सारी जिम्मेदारी दीक्षा गुरु के, शिक्षा गुरु जो आराम से जो है हाथ पसार के जो है घूम रहे, नहीं, शिक्षा गुरु की भी उतनी जिम्मेदारी है, गुरु होते ही उसकी जिम्मेदारी है, ठीक है। मूलचंद जी ने हाथ खड़ा किया था, फरमाइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी प्रभु जी, अगर सवाल लेते हैं तो मास्टर जो हमें हिदायत देते हैं जी, तो उस पे शिष्य जो है पूरा नहीं उतर रहा है, तो वो दीक्षा बरकरार रहेगी या टूट जाती है वो? बिल्कुल वैसे ही है जैसे शादी है, अगर शादी में आपने एक दूसरे से कुछ कस्मे वादे करे हैं और वो कस्मे वादे पूरा नहीं कर रहे, तो जितना जितना पूरा नहीं कर रहे उतना उतना वो रिश्ता कमजोर हो जाएगा, सारे के सारे कस्में और वादे तोड़ देंगे तो रिश्ता टूट जाएगा, जितने जितने कम करते जाएंगे रिश्ता उतना कमजोर होता जाएगा, जितना जितना निभाते रहेंगे उतना रिश्ता जो है मजबूत रहेगा। तो फिर उस पे अगर शिष्य जो है वो आदेश का पालन नहीं कर रहा है तो गुरु ने उसकी गारंटी उठाई है तो गारंटी कम हो गई, गारंटी कम हो गई, वो जो शिष्य पाप कर रहा है तो क्या वो गुरु को भोगना पड़ेगा या? गुरु को कुछ नहीं भोगना पड़ेगा, गुरु को सिर्फ इतना ही होगा कि गुरु ने एक नालायक शिष्य बनाया है,
उसकी सजा गुरु को मिल सकती है, बस इतना। जैसे 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 आप मैं समझ बात मुकम्मल कर दे, जैसे मान लीजिए कि मैं हूँ, ठीक है ना, मेरा 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 खानदान है और मेरा जो भाई है, सगा भाई है, वो डाकू निकल आता है या दहशतगर्द निकल आता है, तो क्या होगा? ऐसा तो नहीं है कि उसके दहशतगर्दी की सजा मुझे मिलेगी, मुझे सरकार फांसी पे लटका देगी, नहीं, लटकाएगी उसी को, मगर मुझे परेशान करेगी आगे रोज पुलिस, कहाँ है पता बताओ, मेरा पीछा करेगी, ठीक है ना। ये तो मेरे लिए मतलब क्या है, मेरी जिंदगी में तो जहर घुल गया ना, बेशक मुझे उसकी सजा नहीं मिल रही मगर उसके साथ रिश्ता रखने की कीमत मुझे अदा करनी पड़ रही। तो उसी तरीके से अगर नालायक गुरु शिष्य है तो उसका गुरु को थोड़ा सा खामियाजा भुगतना पड़ता है, ऐसा नहीं कि उसके कर्म से भुगतने पड़ते। तो शास्त्रों में दिया गया है, आप आगे भी देखेंगे आपको मिल जाएगा, हम बात करेंगे इस पर, कि छटांक कहते हैं, छटांक का मतलब है छठा हिस्सा, ऐसा समझ लीजिए, वो एक अप्रोक्सीमेशन है कि जो तकलीफ शिष्य को होने वाली है उसका एक छठवा तकलीफ हो सकता है गुरु को भी, एक अप्रोक्सीमेशन है, ये नहीं कि मुकम्मल कर दिया गया इसके लिए जो है मुंतखब कर दिया गया इसके लिए, ऐसा नहीं, इट्स लाइक दैट। तो वो समझ जो है इस तरीके से, वैसे भी अगर मेरा सगा भाई दहशतगर्द निकल आता है तो मेरे को कैसा लगेगा अंदर से, मुझे डर लगेगा उसके लिए, मुझे तकलीफ होगी ये जान के कि यार इसको क्या हो गया। तो उसी तरीके से गुरु के साथ मेरा संबंध है, एक रिश्ता है, जब वो गुरु देखता है कि मेरा डिसाइपल जो जिसको मैं अपने बेटे की तरह देखता था वो नालायक निकला, तो तकलीफ होती है उसको, बिल्कुल बाप बेटे के बीच का रिश्ता है ऐसा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी 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 प्रभु जी, श्यामानंद प्रभु थे हमारे ऑस्ट्रेलिया वाले, वो कह रहे थे कि जब हम दीक्षा लेते हैं हमारे गुरु सब हमारे पाप सब गुरु के पास चले जाते हैं, लेकिन जब अगर गुरु खामियां करता है, मिस्टेक करता है शिष्य, गलतियां करता है, तो गुरु ने जो हमारे पाप लिए होते ना वो एक तरह से बैंक अकाउंट की तरह अपने पास रखते हैं आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा, और जब हम पाप करते हैं तो उन पापों की वजह से जो हमारे पाप गुरु के पास है वो उसमें से हमें वापस देते हैं, हमें फिर उनको भोगना भुगतना पड़ता है दुख में, बीमारी अपनी अपनी राय है। चलिए अपनी अपनी राय है, मकसद बेसिकली या अपनी, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जो मकसद है इसके अंदर जो मैं समझ पा रहा हूँ वो यही है कि शिष्य जो है इस बारे में जो है बहुत जागरूक रहे, बहुत बहुत अलर्ट रहे, और ये दोनों तरफ से गुरु के लिए भी है, ऐसा नहीं है कि गुरु की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सारे शिष्य की जिम्मेदारी है, जब रिश्ता है रिश्ता दो तरफ है, जिम्मेदारी दोनों तरफ है, दोनों तरफ, तो रिश्ता बराबर नहीं होगा, तो रिश्ता बराबरी का रिश्ता नहीं हो सकता। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जैसे मैं इसको पहले इसको कवर कर लेते, वन इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर, तो शिष्यों के लिए जो है एक ही दीक्षा गुरु होना चाहिए, क्योंकि शास्त्र एक से ज्यादा दीक्षा गुरु बनाने की इजाजत नहीं देता, ठीक है, देयर इज नो लिमिट। हाउएवर फिर बहरहाल शिक्षा गुरु के लिए तादाद में कोई पाबंदी नहीं दी गई है, उस पर कोई पाबंदी आयत नहीं होती है। जनरली स्पिरिचुअल मास्टर कॉन्स्टेंटली, अब ये पैराग्राफ बहुत ध्यान से सब लोग देखिए, नहीं समझ आए दोबारा पूछिए। Generally, a spiritual master who constantly instruct a disciple in spiritual science, अक्सर एक आध्यात्मिक गुरु, एक रूहानी गुरु या गुरु, देखिए यहाँ पे स्पिरिचुअल मास्टर है, यहाँ पर कहीं इनिशिएटिंग इनिशिएटिंग नहीं है, ठीक है, जो है वो शिष्य को लगातार हिदायत देता है आध्यात्मिक जो आपका जो मौजू है जो आपकी जिंदगी है उस पर, और वो बाद में जाकर लेटर ऑन बिकम्स हिज इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर, बाद में वो आपका दीक्षा गुरु भी बन जाता है। अगर ये पाठ समझ नहीं आया दोबारा पूछ लीजिए, क्योंकि अगर ये पाठ समझ आ गया तो अभी 10 हाथ खड़े हो जाएंगे। आ गए तीन, रिपीट करें, रिपीट करें। अच्छा रिपीट के लिए आए, ठीक है, हाँ ऐसा है, आध्यात्मिक गुरु रूहानी गुरु से, रूहानी गुरु मुझे लगातार आध्यात्मिक जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हिदायत देता जाता है,
और वो आध्यात्मिक गुरु आगे जाकर मेरा दीक्षा गुरु बनता है। यस माता जी आइए। पहली तो ये है कि दीक्षा गुरु एक ही होना चाहिए, ठीक हो गया। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि हम हरिनाम दीक्षा लेते हैं जी, बाद में गुरु जो है वो दुनिया में नहीं रहते, चले जाते हैं, उसके बाद जाहिर सी बात है हमें सेकंड इनिशिएशन लेनी है जी। तो फिर उस सूरत में तो दीक्षा गुरु दो हो जाएंगे ना। उसमें वो उसका उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, आप किसी का जाने वाले को तो नहीं रोक सकते। और दूसरी बात यह कि आमतौर पर आध्यात्मिक गुरु जो है वो सतत हमें निर्देश देता रहता है और बाद में वही दीक्षा, लेकिन शिक्षा तो हम बहुत सारे गुरुओं से लेते रहते हैं, एक से नहीं ले रहे होते नहीं ले और रहे। बाद में वो एलिजिबल है भी नहीं, वो खुद हमें रिकमेंड करते हैं कि भाई आप जो है ना वो इस गुरु से दीक्षा लीजिए। क्योंकि थैंक यू मैं यही चाह रहा था कि कोई यहाँ पर ले आए मुझे, ठीक है, तो आपने वो काम कर दिया, आप मेरे जाल में फंस गए, ठीक है। यस अच्छा पहले मैं एक बार जरा कन्हैया लाल प्रभु क्या पूछ रहे हैं वो देख लूं, उसके बाद मैं इधर ही वापस आ रहा हूं, मुझे बात यही करनी है जी। कन्हैया लाल जी, प्रभु जी आपने कहा दीक्षा गुरु एक ही होता है जी, कभी ऐसा होता है कि हम मतलब इतने कॉन्शियस नहीं होते, हमने एक गुरु कर लिया है तो वो एक परंपरा से भी नहीं है, तो क्या हम दोबारा परंपरा से या कृष्ण कॉन्शियसनेस गुरु को दीक्षा ले सकते हैं? क्यों नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते। तो जो आप जो ये सिर्फ ये कह रहा है एक काम दोबारा नहीं करना, पर वो एक काम जो काम ही दो है। ओके अब मैं आ जाता हूँ वापस, वो प्रिया वाले माजी थी क्या जिन्होंने पूछा था जी प्रभु? हाँ तो अब चलते हैं इसकी तरफ। मैंने वो थोड़ी सी बात छेड़ी थी, फिर मैंने कहा बाद में बात करेंगे। देखिए अब मैं चलता हूँ, आपको मैं ले चलता हूँ आज से ज्यादा नहीं 150 साल पहले, ठीक है, और 150 साल पहले से लेके कितना पीछे जाना चाहे आप चल जाए, इनफैक्ट 102 साल पहले लेके जाता हूँ, 1918 से पहले लेके जाता हूँ। देखिए ट्रेडिशन क्या है, या अगर आप हमारा सनातन धर्म भी छोड़ दें, पूरी दुनिया में कोई भी मजहब हो, ठीक है, जैसे इस्लाम भी कह लें या आप ईसाइयत ले लें, बाइबल क्या कहते हैं, सीक एंड ये शैल फाइंड, यानी कि सीख आप ढूंढिए तो आपको मिलेगा, तो यानी कि कौन मिलेगा, भगवान मिलेगा, ढूंढने से मिलेगा, तो आपको ढूंढना पड़ेगा, तो इसीलिए अंग्रेजी में ये टर्म इस्तेमाल होती है सीकर, सीकर सीकर का मतलब यही है कि जो ढूंढने निकला है, तलाश करने निकला है, भगवान की तलाश में निकला। तो यही जो है ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, जिसको भी जिसको हम हमारे यहाँ कहते हैं कि भगवान में लॉ लग जाना, ठीक है ना, जिसको भी भगवान के लिए जो है ऐसा होता था कि मैं भगवान कौन है कहाँ है क्या है ढूंढना चाहता तो घर से निकल पड़ता था ट्रेडिशनल, ठीक है, इसीलिए गृहस्थी जो होते थे वो बेचारे, उनको इसीलिए शास्त्रों में जो है ये आता था कि गृहस्थी क्या करेंगे, वो तो निकल नहीं सकते, वो तो बंध रहे एक जगह पे, तो उनका क्या होगा, इसीलिए हमेशा ऐसा होता गृहस्थी जो होते हैं वो उनको ये चिंता सताती है यार मेरा क्या बनेगा आगे, तो जो गृहस्थी नहीं है तो वो निकल पड़ते थे घरों से, और वो यहीं से वो मुहावरे आए हैं जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, घाट घाट का पानी पीना, इसका मतलब क्या होता है घाट का पानी, यानी कि कभी मैंने मैं सिंधु दरिया के साथ चलने लग गया, क्यों, क्योंकि जो भी साधु संत होते थे वो दरियाओं के साथ में बैठते थे, या पहाड़ों में मिलते थे या दरियाओं के पास मिलते थे, इसीलिए सारे तीर्थ दरियाओं के साथ में, काशी बनारस इलाहाबाद, अब चलते जाए या तो गंगा के उस पे धार पे है, यमुना के धार पे है, या सिंधु नदी के धार पर है, कोई भी नदी के धार पर, गोदावरी के धार पर है, ऐसी तो इसी तरीके से, तो वो यानी कि इसको कहते थे घाट घाट का पानी पीना, तो कभी वो यहाँ जाके ढूंढ रहे, कभी वहां जाके ढूंढ रहे, वहां तो ऐसे ढूंढते 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 उसका तजर्बा भी हो जाता था इसके तहत, और उसके उसके बीच में वो खुद भी शास्त्र पढ़ रहे और वो तरह तरह के अलग अलग साधुओं से सुन रहे हैं, तो फाइनली जाके वो एक जगह पे वो उसकी श्रद्धा टिकती थी कि हाँ मैंने बहुत गुरु देखे, बड़े साल मैंने जो है मैंने झक मारी है इधर उधर में गया, तो ये जो मुझे ये जो बंदा जो है ये मुझे सबसे ज्यादा भाग्य है
इसकी जो दी गई सीख है इसको मैं अपना सकता हूं, ता जिंदगी में इसके कदमों में पड़ा रह सकता हूं। तो इससे मैं दीक्षा, ये होता था दीक्षा का प्रोसेस, समझ आई? ये पूरे सनातन धर्म में यही सिस्टम होता था। कोई भी पंथ हो, कोई भी लाइनेज हो, कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी परंपरा हो, यही सिस्टम होता था। लोग ढूंढते ढूंढते आते थे, घाट घाट का पीन पानी पी के तजुर्बा करके, फिर इत्मीनान जब हो जाता था एक जगह तो वहां वो टिक जाता था। अब चलते हैं 1918 के बाद। 1918 के बाद क्या हो गया सर? 1918 में बना गौड़िया मठ, ठीक है ना? तो गौड़िया मठ जो है, मैं अपने आप को जो है वैष्णव, वो भी गौड़िया वैष्णव जो हमारी परंपरा है उसके हद में रहकर बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसी के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ क्या डेवलपमेंट हुई, ये यही सिस्टम जो है हमारे पूरे गौड़ीय परंपरा में चैतन्य महाप्रभु के बाद भी जो है यही सिस्टम था जो मैंने अभी बताया। 1918 में क्या हुआ, ये सिस्टम चेंज हुआ, गौड़िया मठ बना। गौड़िया मठ ने क्या शुरू किया, मतलब चेंज क्या हुआ, चीज ऐड हो गई। ऐसा नहीं कि वो सिस्टम आज भी मौजूद है, आज भी कुछ लोग ऐसे हैं, ठीक है। 1918 में जब गौड़िया मठ बना तो उन्होंने क्या शुरू किया, उन्होंने प्रचार करना शुरू किया बाहर जा। अब बाहर जा रहे, यानी कि अब क्या होता है, आप सड़क पे जा रहे, दुकान जा रहे थे खरीदारी करने, रास्ते में एक भक्त मिल गया, उसने आपको पकड़ लिया, जी ये हमारी भागवत गीता है किताब है, आप लीजिए, आप पढ़िए। आप तो भागवत गीता लेने नहीं निकले थे, आप सब्जी तरकारी लेने निकले थे, पर वो आपको टकर गया और उसने आपको भागवत गीता पकड़ा दी। तो आप सीकर नहीं थे, आप रूहानियत की तलाश में नहीं निकले थे, मगर वो आपकी तलाश में निकला था, उसने आपका शिकार कर लिया, ठीक है ना, उसने आपको किताब चिपका दी। अब आप ले आए किताब उठा के, आपको कई बार कि चलो पता नहीं क्या है, मैंने कभी पढ़ी भी नहीं है, अच्छा चलो पढ़ के देखता, पैसे दे दिए तो पढ़ भी लेते। तो आपने पढ़ा, आपको अच्छी लगी, आप मंदिर आ गए, उठ के ढूंढते ढूंढते आपने फोन कर लिया उस बंदे को, उसने नंबर दे दिया था आपको। तो हो क्या रहे, तो वो आया यहाँ पर, आप यहाँ गए, तो उसने जो है, अब वो जो था वो खुद भी नया था, वो आपसे 6 महीने पहले जुड़ा, उसने अब आपको जोड़ दिया। तो वो इस काबिल तो है कि वो आपको, आपसे 6 महीने आगे तो है, मगर अभी इस काबिल भी नहीं है कि उसको पूरा सफर बताओ, इतना तजुर्बा नहीं है उसके पास। तो उसने क्या किया, उसने आपको बोला कि ये देखो और ज्यादा तजुर्बेकार लोग हैं तो आप इनसे सलाह मशवरा भी कर सकते हैं, तो आप और जुड़ गए। फिर वहां पर आपने कोई एक बंदा जो है वो आपको बहुत पसंद आ गया, उसकी दी हुई सीख आपको वही बहुत पसंद आ गई, तो आप उसके साथ लग गए। तो आपने कहा कि मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, आप कर रहे हैं फॉलो। फिर आपको कुछ दिनों बाद लगा ये जो रिश्ता है मेरा, इसको मैं एक अमली जामा क्यों नहीं पहना देता। तो आपने बोला कि आपने तजवीज की कि क्या आप मुझे दीक्षा दे सकते हैं, ठीक है। उसने कहा कि देखिए मैं बतौर दीक्षा गुरु इस कौन में सेवा नहीं कर रहा, पर ये सारे लोग हैं जो ये दीक्षा गुरु की सेवा कर रहे हैं। अब ये जो है ये चेंज है इस लाइन से जो आपने अभी पढ़ा, ये स्टेटमेंट आपको क्लियर कट बता रही कि शास्त्र का सिस्टम ये है, मगर फिलहाल इस्कॉन का सिस्टम ये नहीं है। तो प्रभु जी क्या किया जाए, इसका मतलब क्या कि ये इस्कॉन शास्त्र का सिस्टम फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब तो यही हुआ, इससे तो ऐसा ही लगता है। हाँ और नहीं, जो आपकी बात है वो ठीक भी है और गलत भी। ठीक कैसे, वो तो साफ समझ आ रहा है कि ये सिस्टम लिखा हुआ है। गलत कैसे, गलत ऐसे है कि ये इस्कॉन के अंदर इसका प्रोविजन है, इस्कॉन के अंदर इसकी इजाजत है कि आप अगर किसी से दीक्षा लेना चाहते हैं जो इस्कॉन में बतौर दीक्षा गुरु सेवा नहीं कर रहा, तो आप GBC को इसके लिए अर्जी दे सकते हैं। कई लोग हैरान हो गए हैं और कई लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है, आई कैन सी, ओके। तो ये फैक्ट है, तो GBC को आप अर्जी दे सकते हैं कि मैं फलाने व्यक्ति से जो है दीक्षा लेना चाहता हूं, तो क्या आपको कोई एतराज है कि नहीं। अगर GBC कहती है, GBC अपनी तफ्तीश करती है उस शख्स को लेकर जिससे आप दीक्षा लेना चाहते हैं, और तफ्तीश के बाद जो GBC पाती है कि नहीं ये दीक्षा गुरु
की सेवा करने के लिए अभी तैयार नहीं है, तो जीबीसी बोलेगी हमें एतराज है। पर अगर उसने तफ्तीश करी, उसने पाया कि नहीं हमें कोई एतराज नहीं है, बंदा ठीक है चलेगा, तो जीबीसी आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देती है। जीबीसी इस कॉन में दीक्षा गुरु नहीं बनाती फिरती, ये जान ले और समझ ले और गल पल्ले बांध ले। जीबीसी इस कॉन में किसी को दीक्षा गुरु बनाती नहीं है। अगर कोई दीक्षा गुरु की सेवा करना चाहता है और जीबीसी उसको देख के उसका उसको जो है उसकी तफ्तीश करने के बाद जीबीसी को इत्मीनान हो जाता है इस बात का कि ये आप दीक्षा गुरु की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है, तो जीबीसी उसे नो ऑब्जेक्शन देती है कि हमें कोई एतराज नहीं है, आप दीक्षा दे सकते। कैसी लगी ये बात प्रिया बल्लभी माँ जी? ठीक है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त प्रभु, ये बहुत अच्छे, दिल दिल को करार आया। ठीक है, ये सिस्टम है, ये सिस्टम इसलिए मौजूद है कि कल को आप बोलेंगे भाई जीबीसी से पूछने की क्या जरूरत है, हम ले लेते हैं दीक्षा, आप ले ले दीक्षा, वो भी आपने उसने आपको दीक्षा दे दी, आपने उससे दीक्षा ले ली, ठीक हो गया ना भाई? मियां बीवी राजी तो क्या करेगा, काजी वाली बात है ना, मुझे इससे दीक्षा लेनी थी, आपने दीक्षा दे दी, मुकम्मल हो गई बात, बिल्कुल ठीक है। अब कल को अगर आप दोनों के बीच में कोई अनबन होती है, फिर जीबीसी के पास दौड़ के मत आइएगा, ये तो ना करें ना, जब तो आपने रिश्ता गांठना था तो आपने आपस में कर लिया जो करना था, फिर कल को रिश्ते में खटास आ गई, अब आप दौड़े दौड़े जा रहे, कभी इसके पास भाग रहे, उसके पास भाग रहे, मुझे बचाओ इससे, ये तो ना करें। तो इसलिए ये आपको महफूज रखने के लिए, जीबीसी को कोई पैसे नहीं मिल रहे आपके दीक्षा से, और एक क्या एक छोड़ हजार लोग जहां मर्जी दीक्षा ले, जीबीसी के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर इस कॉन में आने वाले लोगों के सेहत पे बहुत फर्क पड़ता है। इस वजह से ये किसने माइक्रोफोन ऑन किया हुआ, या तो वो सवाल पूछ ले अपने, माइक्रोफोन ऑफ कर दे, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। रोशन तारा जी, जी हाँ, हरे कृष्ण जी, प्रभु जी शिक्षा गुरु से भी ज्यादा महत्व रखते हैं शिक्षा गुरु। अगर शिक्षा गुरु हमें कहे मुकम्मल, मतलब कृष्ण के लिए हमें सिखाया सब कुछ किया, और शिक्षा गुरु कहे कि मेरी आज्ञा से आप फलाने गुरु से दीक्षा लें, लेकिन मैं उस चीज में मुतमे नहीं हूँ, तो मैं किसी दूसरे गुरु से दीक्षा लेता हूँ और शिक्षा गुरु मुझे छोड़ देते हैं, तो ये मुझे अपराध लगेगा या नहीं? नहीं, ये रवैया ही दुरुस्त नहीं है, शिक्षा गुरु का ये रवैया ही दुरुस्त नहीं है, दरअसल रवैया बहुत बचकाना है। आप देखिए, हाँ, बहुत बचकाना है, हाँ, मैं इस पे जो तफसरा कर देता हूँ, देखिए, और ये मुझे मालूम है इस कॉन में ये अक्सर होता है, पहले बहुत होता था, ये जो कोर्स शुरू है ना उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा कम हुआ है ये बुखार, अभी भी ऐसा नहीं बंद नहीं हुआ ये, मगर ये बुखार थोड़ा सा कम हुआ है पहले से। पहले यही होता था कि यानी कि वो क्या करता था, जो शिक्षा गुरु आपका है वो जिससे उसने दीक्षा ली हुई वो उसको आपको उधर लगा देता था, उसके पीछे लगा देता। मैं इस कोर्स के बाद जो है रवैया धीरे धीरे चेंज होना शुरू हुआ है, क्योंकि ये रवैया दुरुस्त है, इसलिए नहीं दुरुस्त है क्योंकि रिश्ता मेरा जाती रिश्ता बन रहा है, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि ये उसी तरह की जिसका जबरदस्ती की शादी है, माँ बाप ने जो फैसला कर लिया फलाने से आपकी शादी होगी, मैंने नहीं करनी शादी, वे शादी मुझे निभानी है, आप तो मेरे रिश्ता करा के गुजर जाओगे इस दुनिया से, वफाक पा जाओगे, और उसके बाद 40-50 साल मैंने रहना है इसके साथ, ठीक है ना? तो ये इसलिए रवैया दुरुस्त नहीं। तो माँ बाप अपना फर्ज निभा रहे, अपना रिश्ता माँ बाप के साथ बेट अपने बच्चों के साथ निभा कर, माँ बाप का ये काम नहीं बनता कि वो दूसरे के रिश्ते भी तय कराते फिरे उस तरीके से, बच्चों को अपना मामला खुद तय करने दे इस मामले में, क्योंकि वो माँ बाप तो वफाक पा जाएंगे मगर वो रिश्ता उसको निभाने ता जिंदगी। तो बिल्कुल उसी तरह से दीक्षा का जो मामला है, शिक्षा गुरु के साथ जो मेरा संबंध बना है वो मेरा आपसी रिश्ता है उसके साथ, मगर उससे शिक्षा गुरु को कोई ऐसा इख्तियार नहीं मिलता कि वो मेरे रिश्ते और जगह भी तय कराते फिरे,
ठीक है ना, ये ठीक नहीं है क्योंकि ये चलेगा नहीं आगे। अच्छा मान लीजिए करा दिया शिक्षा गुरु ने जो है मेरा रिश्ता तय करा दिया फलाने गुरु से, आप दीक्षा लीजिए चाहिए, और उसके कहने पे मैंने ले भी लिया जज्बात में आकर, ठीक है ना। कल को जो है कुछ ऊंच नीच हो गई, वो लेगा शिक्षा गुरु उसकी जिम्मेदारी, तो तभी आप कर जाओ उसकी जिम्मेदारी, और वो ठीक नहीं है इस तरीके से। इसलिए और ये भी समझना चाहिए दीक्षा जब आप ले रहे, जैसे शादी कब होती है, जब बच्चे बालिग हो जाए, तो उसी तरीके से दीक्षा भी तभी होती है जब आप रूहानी तौर पर बालिग हो जाए, यानी कि अपना फैसला और अपनी जिम्मेदारी खुद लेने के काबिल बने, उससे पहले तो दीक्षा लेनी ही नहीं चाहिए। अगर आप अपने आप को इतना नाकाबिल समझते हैं कि दीक्षा की जिम्मेदारी उठाने से कासर है, तो फिर आपको दीक्षा क्यों चाहिए, ठीक है ना। तो इसीलिए अगर जब तक वो शिष्य खुद दीक्षा की जिम्मेदारी लेने के काबिल ना बना हो, तो उसमें जबरदस्ती ना की जाए कि वो दीक्षा ले, और अगर उससे नाराज होके शिक्षा गुरु जो है उसका साथ छोड़ देता है, तो ये तो बिल्कुल ही क्या बताऊं, देहाती औरतों वाली बात हो गई, मैं नाराज हो गई, इस तरह रिश्ते नहीं चलते। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्ण जी। जी प्रभु जी, आपने बताया कि अगर हम किसी से दीक्षा लेना चाहते हैं जो इस्कॉन में गुरु के उस पे ओहदे पे नहीं है, तो हम रिक्वेस्ट दे सकते हैं जीबीसी को, दीक्षा गुरु के ओहदे पे नहीं है। हाँ, दीक्षा गुरु के ओहदे, तो जीबीसी कितने टाइम के बाद मतलब वो एक्शन लेती है, या क्या मतलब उसका, मुझे पता पड़ा कि 5-6 साल लग जाते हैं एक गुरु को। हाँ, हाँ, लग सकता है, तफ्तीश कर रहे तो लग सकता है। अच्छा। तफ्तीश कर तो लग सकता है, अगर कुछ आ गया, कंप्लेंट आ गई, आपको अंदाजा नहीं कंप्लेंट आने से जीबीसी को कितना सीरियसली लेती है, मुझे अंदाजा है क्योंकि मैंने एक आध जगह पे इंटरव्यूज दिए हुए उस चीज पे कि थैंक यू। एक से ढोल कीजिए चपाती एक भी नीचे, काफी हाँ हो जाएगा, इसी से हो जाएगा, चल जाएगा, फिलहाल चल जाएगा, दोपहर को कुछ खा लूंगा। हरे कृष्ण, हाँ माफ। तो प्रभु जी, जीबीसी को रिक्वेस्ट हम कैसे भेज सकते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है? फॉर्मल जो है, जो आपके वहां पे जो भी आपके जोन में जो आपके जोनल सेक्रेटरी है लोकल जीबीसी, उसको चिट्ठी लिखी। अच्छा। उनको सीधा चिट्ठी लिखी कि हम फलाने शख्स से जो हम दीक्षा लेना चाहते हैं, हम इससे काफी मुतासर हैं, और फिर क्या करेगी जीबीसी, एक छोटी सी टीम बनाती है, एक कमेटी बनाती है छोटी सी, जो तफ्तीश करती है, वो फिर क्या करेगी, जो लोकल टेम्पल प्रेसिडेंट है उनसे पूछेगी, आम जो लोग हैं, जैसे आप दीक्षा लेना चाहते हैं तो आपको कॉल आएगा, आपका इंटरव्यू होगा कि आप क्यों दीक्षा लेना चाहते हैं, कि क्या क्या चीजें आपको क्या पसंद है, फिर उनके जाती जिंदगी पे भी जो है वो देखा जाएगा कि कैसा रहा, उनका उनका पस मंजर क्या है, ठीक है ना। तो ऐसी चीजों में कई सारी चीजें निकल आती है, यही सेम प्रोसेस संन्यास के लिए भी है, तो वो हाँ कई अलग अलग लोगों से इंटरव्यू करते हैं। अच्छा, फिर आपके जो जो जैसे आप दीक्षा लेना चाहते हैं, वो जहां जहां सफर करते हैं, जहां जहां जाके प्रचार करते हैं, वहां भी वहां पे भी तफ्तीश करेंगे कि यहाँ इनका रवैया कैसा होता है, अगर वहां से कोई कंप्लेंट्स आ गई, कुछ आ गया कि इनका ये निकल के आया था फलाने लेक्चर में, इन्होंने इस तरीके से किसी को डांट दिया उठा के, ठीक है ना, या इसके साथ बदजबानी करी है, या इनके जाती किरदार पर जो है ये है, तो फिर वो ऑब्जेक्शन होंगी, फिर जाहिर बात है उनसे भी बात करी जाएगी, जो जिनको जिनको आपने, सबसे तो पहले उनसे ही पूछा जाएगा कि भाई ये फलाने लोग आपसे दीक्षा देना लेना तो चाहते हैं, आप दीक्षा देना चाहते नहीं देना चाहते, पता चले मैं दीक्षा लेने के लिए मरा जा रहा हूँ, वो कह रहे हैं मुझे कोई दिलचस्पी नहीं दीक्षा देने, ये सारा कुछ होता है, होता है। बहुत शुक्रिया, मैं आगे चलता हूँ, नहीं तो हमारा वक्त ऑलमोस्ट हो चला है, आज मैं शायद आधा ही जा पाया हूँ, आधे से ज्यादा नहीं जा पाया, पर ठीक है कोई नहीं, शुरू में ऐसा होगा, तो एटलीस्ट ये वाला मसला तो हल हो गया, आगे चलते हैं। इक्वल एंड आइडेंटिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ कृष्णा, तो आइडेंटिकल मैनिफेस्टेशन, जैसे भगवान है उस तरीके का ही वो कृपा का, जैसे भगवान जिस तरीके की कृपा देते हैं उस तरीके की कृपा, वाय क्योंकि भगवान से लेके दे, द गुरु हु फर्स्ट इनिशिएट्स वन विद द महामंत्र, बिल्कुल साफ साफ लिखा है, द गुरु हु फर्स्ट इनिशिएट्स द वन विद द महामंत्र इज टू बी नोन एज द इनिशिएटर, यानी जिसने आपको महामंत्र से दीक्षा दी है। पहले हमने देखा था ना गायत्री मंत्र की बात पूछी थी रामे के प्रभु ने, तो वो वही है कि रोहिणी नंदन, ठीक है, तो जिसने दोनों में से, कि जैसे वो प्रियावल्ली माँ जी ने पूछा कि अगर हो सकता है कि हमारी क्या कहते हैं, किसी ने मुझे हरिनाम दिया, उसके बाद वो वफाक पा गए, वो इस दुनिया में नहीं,
ठीक है, तो अब मैं क्या करूं, अब मेरे दीक्षा गुरु कौन होगा? आपका दीक्षा गुरु वही माना जाएगा जिससे आपने हरिनाम लिया है, और वो आपका मंत्र गुरु माना जाएगा। ये देखिए, इसलिए मैंने उस वक्त इस पर बात नहीं करी। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, मंत्र गुरु। गायत्री देने वाले को आप मंत्र गुरु कहेंगे उस सिचुएशन में, क्योंकि ऑलरेडी आप दीक्षा, हरिनाम की दीक्षा किसी से फॉर्मली जो है आप ले चुके हैं, ठीक है। तो इसीलिए अब चलें, ओके। एंड द सेंट्स हु गिव इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रोग्रेसिव एडवांसमेंट, और जो साधु हैं जिनसे आपने निर्देश लेते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, आप निर्देश लेते हैं अपने कृष्णा भावना में आगे बढ़ने के लिए, वो आपके शिक्षा गुरु कहलाएंगे, ठीक है। ये शिक्षा गुरु वाला रिश्ता भी वैसा ही है जैसा कि दीक्षा गुरु के साथ, ये दो तरफा रिश्ता है, ठीक है। शिक्षा गुरु, अब मैं एक और पटाखा फोड़ूंगा यहाँ पर और काफी आतिशबाजी होगी उसके बाद, वो ये है कि शिक्षा गुरु इस तरह नहीं है कि मैंने किसी को शिक्षा गुरु मान लिया, वो भी आपको अपनाता है बतौर शिक्षा डिसाइपल। रिश्ता दो तरफा होता है, ये एक तरफा प्यार नहीं है जैसे कि वो गली में होता है, गली में मेरे सामने वाली खिड़की पे एक चांद सा मुखड़ा रहता है और मुझे वो पसंद है, चांद सा मुखड़ा घास भी न डाले आपको, ठीक है ना। तो इस तरह के रिश्ते नहीं होते, रिश्ता दो तरफा होता है, ओके, यस, ठीक है। मैं उनको शिक्षा गुरु के रूप में जो है मैंने अपनाया है, सामने वाले भी ने भी मुझे बतौर शिक्षा डिसाइपल अपनाया है, ठीक है। तो ये चीज इस्कॉन में काम होती है। अब आप देखेंगे ज्यादातर, देखिए जो हम इस्कॉन में शिक्षा लेते हैं, जो हमें मिलता है, वो गुरु साधु गुरु शास्त्र के अलावा तीसरा सोर्स है, वो कौन सा, साधु। तो 90-95% जो हमें सीख मिलती है वो साधुओं से मिलती है। उन्हीं साधुओं में से कुछ हो सकते हैं उनको बतौर मेरा संबंध शिक्षा गुरु का हो, और उन्हीं साधुओं में से और उन शिक्षा गुरु में से एक से मेरा संबंध दीक्षा गुरु का हो। यानी कि सारे गुरु साधु होंगे, मगर सारे साधु हो सकते हैं गुरु ना हो, ठीक हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। किसी को सवाल पूछना था पूछ लें, मुझे लगता है इसमें कयोग की जो है दिल आजारी ना हो गई हो। मैं कृष्ण जी, प्रिया वलीमा जी, जैसे शिक्षा गुरु के बारे में आपने कहा कि वो भी हमें शिक्षा स्टूडेंट स्वीकार करे, तो वो कैसे मतलब वो करे या ना करे? हम तो आजकल तो क्या होता है, हम तो जैसे आप जानते हो पाकिस्तान में रहते हैं, ठीक है, तो हम 99% शिक्षा तो हम इंटरनेट से लेते हैं, यूट्यूब से लेते हैं हमारे जो, तो वो हमें जानते तक नहीं है जिनसे हमने शिक्षा, जैसे मैंने गीता, तो फिर उन्होंने हमें स्वीकार किया या ना किया? हमने तो उनको शिक्षा गुरु स्वीकार किया है ना। आपने शिक्षा गुरु स्वीकार करने की जरूरत नहीं है ना, आप उनको साधु स्वीकार कर लीजिए ना। ये तो आपने खुद कह रहे हैं ना, आप अपने जमान से कह रहे हैं कि मैंने स्वीकार किया, तो आप जो मर्जी करते हैं वो आपके ऊपर है, मगर एक रिश्ते की कुछ कायदे होते हैं ना, रिश्ते का कोई दायरा होता है, रिश्ता हमेशा दो तरफा होगा, ये कैसे मुमकिन है? देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल दूंगा उसके बाद गुंजाइश नहीं रहेगी। आपने एकलव्य का नाम सुना है? क्या हुआ था? मैं भी वही पूछने वाली थी, हाँ। कि उन्होंने, उनको तो जानते ही नहीं थे द्रोणाचार्य, उन्होंने शिक्षा ली थी और उन्होंने शिक्षा ली थी और फिर द्रोणाचार्य ने उनसे गुरु दक्षिणा मांगी, मींस अब अगर वो स्वीकार नहीं करे तो फिर उनका जैसी शिक्षा, यही तो है ना, जैसी शिक्षा ली थी वैसी गुरु दक्षिणा मांगी। इस तरह की गुरु दक्षिणा पांडवों से क्यों नहीं मांगी, उनका अंगूठा क्यों नहीं मांगा उनसे? उस हिसाब से तो पांडवों से उनका पूरा हाथ मांग लेना चाहिए था। समझ आ रही है प्रिया वाली मुझे? ऑन कर लीजिए, आपका माइक्रोफोन ऑफ हो गया जी प्रभु। हाँ, तो ये सीख देने के लिए ये तरीके नहीं है शिक्षा लेने के, ये चोरी करी, उनसे शिक्षा नहीं करी। आप बतौर साधु रख सकते हो, मुझे गुरु बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप साधुओं से शिक्षा लेने से इतने कासिर क्यों है? आप समझ रहे हैं बात? आपका मतलब है, आपकी मुराद हम सबसे है, आपसे तो मैं अभी बात कर रहा हूं, तो अदरवाइज हम सबसे सबकी बात कर रहा हूं। 99% जो आप देखें बस में, जब कोई आदमी उस व्यासासन पर बैठता है तो वो साधु जो है, जैसे भागवत चर्चा करते उसलिए बैठता, वो शिष्य नहीं इकट्ठा करता फिरता,
इस्कॉन ने अगर आपको व्यास आसन दिया है, आपके शिष्य बनाने का फोरम नहीं दिया आपको, साधु का काम है वो भगवत चर्चा करे तो वो करते हैं। इस तरह नहीं है कि जो भी, अब मान लीजिए यार ये तो बड़ा अजीब हो जाएगा, 365 दिन में 365 लेक्चर सुनता हूँ तो मैं तो दिनों के हिसाब से शिक्षा गुरु बनाता रहूंगा, बात समझ आ रही है? इस तरह नहीं है। इतना सस्ता नहीं है। शिक्षा गुरु का मतलब ये है जो दो तरफा रिश्ता हो, और इंटरनेट पे आप शिक्षा गुरु बना सकते हैं, आप उसको मेल, व्हाट्सएप, फेसबुक, 50 चीजें, जूम, तो आप दोनों तरफ से अगर उनकी रजामंदी है तो क्यों नहीं, बिल्कुल हो सकता है। मगर शिक्षा गुरु नहीं है, वो साधु है। जी मुझे पता है ये सुनने से कईयों की दिल आजारी होगी, मगर ये अभी का रोना अच्छा है, देखिए और 10 साल बाद कोई बताए बात। अच्छा और चलते हैं दो जगह पर, दो और सवाल है। कौन है, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? हाँ सचिन अंदर प्रभु जी, फरमाइए। हरे कृष्ण प्रभु, प्रभु कैन यू गिव द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ साधु एज वेल? साधु, एनीबॉडी हु इज लाइक साधव, हु हैज गॉट सेंटी क्वालिटीज, साधव साधु भूषण, ही इज अ साधव, तितिक्षव कारुणिका सदैव जो भगवान श्री कृष्ण के लिए जो है, जो उसका उसका पूरा दिलो जान से वो भगवान श्री कृष्ण का हो। एक सेकंड, मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ, भूल भी रहा हूँ। I have one more question. Can I ask right now? Yeah, please go ahead. I just want to know, sometimes we see that the person is taking an initiation from a spiritual master, and after some time that the disciple is not taking, not completing his rounds or not following regulative principles, after for 1 year, for 2 years, then again he is doing the same thing, like all his spiritual activity. So what we say, that he has a relation or he does not have a relation, or yeah, what? he has a relation. He has regained his relation. He has established his relation. ये मैंने भेज दिया आपके लिए reference chat पे, देखिए 325-21. So yeah, it's a fact. ऐसा हो सकता है कि कोई जो है he took initiation and after a few years where he started tottering. So he left everything. But then he again came back after a few years. So that's there. Okay. Thank you so much. ये same जैसे कि शादी में होता है, कि शादी हो गई किसी के साथ, उसके बाद जो है उसके बाद कुछ हो गया, रिश्ता खराब हो गया, वो चला गया छोड़ के, they separated, they didn't divorced, but they separated, got separated, but then after a few years they came back and they patched up and everything is fine. Fine, thank you so much, Denver sir. Thank you. Okay. और किसी का? मूलचंद जी, हाँ जी, फरमाइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। जैसे हम किसी साधु के अंडर में सीख रहे हैं और मन उसमें लगा हुआ है, तो रिश्ता जो रिश्ता जो है वो आगे चलकर की वजह से यहाँ क्वेश्चन करते हुए, या हमने शास्त्र रीड किया, उस शास्त्र में जो ट्रांसलेट जो है वो परफेक्ट नहीं है, उसमें गलती की गई है, तो जिसको उसका पता नहीं है, तो उसने अगर वो क्वेश्चन पूछा तो उस पर वो साधु नाराज हो जाए, फिर उस शिष्य को जो है अपना ब्लॉक कर दे, तो फिर मतलब ये सब कलयुग में ही होता है। शिष्य की गलती क्या कर रहे, ये सब गलती है या वो साधु की गलती? क्या रहे, ये सब चीजें कलयुग में इस तरह की चीजें होती हैं। गुरु का काम उसको खारिज करना नहीं है, उसको भक्ति से दायरे से बाहर निकालना नहीं है, लोगों को भक्ति के दायरे में लाना है, ठीक है ना? अगर डॉक्टर जो है पेशेंट से मायूस हो जाएगा या पेट देखकर कहीं तो बहुत बीमार है, तो क्या करे, उसको सड़क पे छोड़ दे? डॉक्टर का काम नहीं है, डॉक्टर का काम है आखिरी सांस तक कोशिश कर लो। हाँ जी, मेरा पर्सनल, ये मेरा पर्सनल सवाल है क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। हाँ, तभी मैंने कहा तो ये रवैया दुरुस्त नहीं, ये रवैया दुरुस्त नहीं। अगर ऐसा क्या कहते हैं, साधुओं से यही तवक्कु की जाती है कि उसके अंदर जो है ज्यादा, मुझसे ज्यादा सब्र हो, तो उसका तो भगवत गीता 4.2 जो भगवान कहते हैं कि ये तत्व ज्ञानी है, इसको जानना चाहिए। तो हमने जो रीड किया, क्लास स्टार्ट करो ना, इसमें मैं इसमें सुन रही हूँ। अच्छा अच्छा, एक सेकंड, माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए। ठीक है,
ठीक है, तो हमारा ठीक है, थैंक यू मूलचंद जी, हमारा वक्त हो गया है, आज हम यहीं पर जो है रोक देते हैं, हम यहीं पर कल हम यहाँ से आगे चलेंगे, हमारे पास अभी भी, मैं एक बार देख लूं, हम एग्जैक्टली आधा गए हैं, हमें और आधा जाना है, तो ठीक है कोई बात, शुरुआत के दिनों में थोड़ा सा ज्यादा समय क्या कहते हैं वो सवाल जवाब में ज्यादा वक्त निकल जाता है, पर आगे जब बेसिक सवाल निकल जाएंगे तो हम गाड़ी पकड़ लेंगे, ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं